से कोई एक चमत्कार हमें महसूस होना चाहिए, नहीं तो उसको कहते नहीं गए। तो जो यहाँ पे गजल पसंद है वो भी मानेंगे कि जो सेकंड लाइन अगर आप गजल की सुनेंगे तो एक चमत्कार हो जाता है, एकदम कॉन्ट्रास्ट या पैराडॉक्स से कुछ पहली लाइन को कट करके तीसरी ही कोई चीज लाना। कोई कहते हैं गजल में थीसिस एंटीथीसिस होता है, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ नहीं, वो वैसा नहीं है, नॉट सो सिंपल। क्योंकि सेकंड लाइन का रिफ्रेम वही होता है, राइम तो वही होती है, तो अनरिलेटेड भी है रिलेटेड भी है, तो एक हम चमत्कार की भावना महसूस कर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्राकृत में, अभी आपने यही कहा है कि कुछ चमत्कार होता है काव्य में, है ना, तो सौंदर्य शास्त्र में ये चमत्कार को लेकर के भी प्राकृत से हमको सीख पाए, एक तो वो ये दूसरी बात। फिर यहाँ पे तीसरी चीज राम जी ने कहा है कि अंत्यानुप्रास, अनुप्रास यानी हम कह सकते हैं एलिटरेशन अंग्रेजी में, एलिटरेशन। अनुप्रास राइमिंग है अच्छा फिर वो तो राइम है नहीं, बट अनुप्रास अनुप्रास एलिटरेशन, एलिटरेशन भी एक चीज होती है अंग्रेजी कविता में भी एलिटरेशन होता है। आप कोलरिज पढ़ेंगे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर तो पूरा एलिटरेशन है, तो ये भी एक चीज है। तो अब ये इन्होंने कहा है राइम है तो रिफ्रेन एक आता है, राइम आती है और रिफ्रेन या रिपिटेशन आता है, राइम आती है, एलिटरेशन आता है ना। और उसके अलावा चौथी बात, व्यंजनों की के समीकरण से अनुप्रास का श्रेणांतर, श्रेण्यांतर, रैंक शिफ्टिंग हो जाता रैंक शिफ्टिंग, है, वो एलिटरेशन एक रैंक से दूसरे रैंक पे चला जाता है, ज्यादा गहरा हो जाता है ये मैं वो। कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो नाउ आई कंक्लूड, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जरूरी धन्यवाद धन्यवाद, कुछ भी हो हम तो एकेडमिक्स हैं, यही हमारी रोजी रोटी है ना, तो अगर हम ये काम छोड़ के दूसरा काम करने लगेंगे तो फिर मतलब इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं नहीं ये छोड़ दीजिए प्लीज, ये इसको नहीं, वही मैं कहना चाह, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बेसिकली चीज ये है कि सौंदर्य शास्त्र भारत का जो मैंने समझा है वो एक है यानी संस्कृत में आप लिखे या तुलकाप्यम भी आप ला सकते हैं, दूसरे भाषाओं में चिंतन हुआ होगा उसको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, है ना, और इसमें प्राकृत काव्य का बहुत महत्व। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने अंग्रेजी की तो बात ही नहीं की, किसी और दिन करेंगे, क्योंकि अंत में हमको अंग्रेजी को भी किसी तरह इसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी यानी कुछ आधुनिक जो कविता है वो रस ध्वनि से लिखी नहीं जाती है आमतौर पे, उसके तत्व कुछ और है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम अज्ञेय भी पढ़ेंगे, धूमिल पढ़ेंगे, हिंदी कविता हम पढ़ेंगे तो भी हमें कुंवर नारायण पढ़ेंगे, मुक्ति बोध पढ़ेंगे, तो उसमें जैसे आधुनिक कविता में फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल चार्ज होता है, वो तो पुरानी कविता में आमतौर पे दिखता नहीं है, आइडियोलॉजिकल पोएट्री दिखती नहीं है, आना अखनतोवा की टाइप की कविता हमारे पुराने काव्य शास्त्र में नहीं है। तो हम ये नहीं मानते, मैं कभी ये कह नहीं सकता कि हमारा सारा पूर्णथाई, ऐसे नहीं, मैं तो संवाद अपूर्णता के आधार पर ही होता है कि मैं भी अपूर्ण हूँ आप भी है, और संवाद से हम किसी पूर्णता की ओर जा सकते हैं। मैं ये मेरी अवधारणा कभी भी ये नहीं कि हमारे पास हर कुछ था, हर कोई चीज थी और हमें कहीं से कुछ सीखना नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब है कि ये एक सौंदर्य शास्त्र को ले हम जिसके विभिन्न पहलू हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि जो हमारी प्राकृत और उसके आगे जो भाषाएं हुई उसमें सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र थियोरी को लेके ज्यादा नहीं हुआ था काम, आजकल होने लगा है हमारे यहाँ, बड़े शुक्र अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन मैं आधुनिक काल के पहले की बात करूं। तो अब प्रश्न ये है कि ये एक जो धाराएं हैं, धारा है, मतलब एक को मैं लेके ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू होमोजनाइज, विविधता तो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ
संस्कृत कविता और प्राकृत में विभिन्नता बहुत है, लेकिन प्रश्न ये है, ये चार मैं चैप्टर्स के ये बिंदु अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्राकृत कविता तो ये जो चमत्कार कविता के अनुभव है उस पे आपके शोध कार्य से कुछ हमें ज्यादा प्रकाश मिल सकता है और उससे सौंदर्य शास्त्र को भी समझने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। इन शब्दों के साथ सर आप टेक ओवर कीजिए, मैं सुन रहा हूँ नीचे से ऊपर से दोनों से सुनो, थोड़ी देर यहाँ से सुन के को जी आप यहाँ आ गए। You will allow me to remove this mask while so Ranjate has very nicely explained what is the essence of his project on the language. So you will allow me to read out this in Sanskrit. मलयाल शुक्ल गोरखपुर मंडलांतर्गत महाराज जनपदे राजा नामनी ग्रामे द्व्यशीत्युत्तर एकोनविंशति तमे वर्षे गृहीत जन्म माध्यमिक पर्यंतां शिक्षा ग्रामेव परिसमाप्य गोरखपुर विश्वविद्यालयात् बीए दिल्ली विश्वविद्यालयश्च संस्कृत पारसी भाषा एवं परीक्षा सस्वर्ण पदकम उत्तीर्णवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयात एव व्याकरण भाषा विज्ञान विषये विद्यावारिधि उपाधि अनेन समधिगत। परिवाह कविता पुत्रिका जाति लघु संदेशम इत्याख्यानि त्रीणि संस्कृत काव्य संकलानि अन्ये तस्य प्रकाशम आसादितानि। मूल पारसी काव्य काव्य अनिपेतस्य तत्र तत्र प्रकाशितानि। रूमी कवे शतक वितानाम एतत् प्राथम्येन हिंदी भाषया अनुवादो अनेन निःशब्द नूपुर नामना प्रकाशितः। एतत् अतिरिक्त अनेन भारतीय एवं पाश्चात्य वाक्यार्थ सिद्धांत आधुनिक संस्कृत साहित्य संचयन इत्याख्यम पुस्तक द्वयम् प्रकाशितम्। हिंदी संस्कृत पारसी पारसीक भाषासु भूयांश शोध लेखा पंडित मंडलीषु प्रस्तुता शोध पत्रेषु च प्रकाशिता। अखिल भारतीयम् भारतीय अमंजेषु ईरान देशे च संस्कृत सांस्कृतिक प्रसंगेषु कवितादिक अनेन प्रस्तुतम्। भारतस्य राष्ट्रपतिनाम एष महर्षि वादारायण व्यास सम्मानेन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन च कालिदास सम्मानेन सभाजित। संप्रति अयम दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदे तिष्ठन् सुरवाचम सेवमानम वर्तते। Now, and you have already spoken what is all he is doing under his project, but my understanding of his project is he is bringing out the beauty and essence of the Prakriti Kavya. Prakriti Kavya, there are many Prakriti Kavya, Prakriti. For example, my own language, Garhwali and Kumaoni, is called Sorseni Prakriti. So different Prakrit languages are there, but Prakrit languages are so full of literary works. So he's trying to highlight the beauty, charutva, the beauty of these literary works. And what he has explained to me is he's trying to bring out the beauty of these words which are used for playing the spun, slesh alankara. Because of the Mahaprana and Laghu Prana accentuation of these words, how the beauty is brought out and how the pun is experimented upon. And these are the factors he is speaking about. Thank you, sir. Please.
रीडिंग कर दो शेर। बिल्कुल। पहला इससे बढ़ेगा ना, इससे होता जाएगा। yes, या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, इस महनीय संस्थान के निदेशक, सभा में उपस्थित अत्यंत सम्माननीय सभी अध्येतृगण, सबसे पहले मैं शारदीय नवरात्र की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं और अभिभूत हूं कि इस कार्यक्रम के लिए इस मंच को चुना गया और मुझे विश्वास है कि मेरा जो शोध कार्य होगा उसमें आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मिल पाएंगे। मेरा जो शोध कर्म है वो जैसा कि विदित है प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रयोजक और इस कार्य को करते हुए 9 महीने लगभग हो गए हैं मुझे और इसके अंतर्गत जो कार्य मैंने कर लिए हैं वो 3 सोपानों में कार्य हुए हैं और उनको 3 अध्यायों में और एक पूर्व पीठिका में मुझे एकत्रित करना है, प्रस्तुत करना है, जिसके लिए मैं यहाँ उसको प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो पहला जो कथ्य है, पहला सोपान वो पूर्व पीठिका के रूप में है जिसके अंतर्गत यद्यपि मेरा कार्य प्राकृत की कविता के विषय में था और उसकी वे विशेषताएं जो जैसा कि सर ने कहा कि सामान्य रूप से प्राकृत और संस्कृत का काव्यशास्त्र एक है, प्राकृत में अलग से प्राकृत भाषा में लिखा हुआ काव्यशास्त्र हमें नहीं मिलता। एक अलंकार दप्पण नामक ग्रंथ मिलता जरूर है लेकिन उस वो संस्कृत ही है, वो संस्कृत के सारे सारे स्टैंडर्ड उसमें संस्कृत के ही हैं, तो अलग से प्राकृत की कोई चीज नहीं बताई गई है जबकि उसकी जरूरत है जैसे सर ने बार बार कहा। तो इस अध्ययन के दौरान मुझे कुछ प्राइमरी सोर्सेज का बहुत पर्याप्त अध्ययन मैंने किया, सेकेंडरी सोर्सेज की अपेक्षा, लेकिन जब मेरा साबका सेकेंडरी सोर्सेज की ओर से हुआ तो मैंने देखा कि जैसे प्राकृत और संस्कृत के विषय में फियर्स कंपटीशन या ब्राह्मणिकल कंटेम्प्ट अगेंस्ट प्राकृत जैसी बातें की गई और बड़े बड़े लेखकों ने की, तो हम लोग कविता में रमण करने वाले लोग हैं, मुझे कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि प्राकृत और संस्कृत में इस तरह की चीज होगी। तो मुझे लगा कि पूर्व पीठिका में कुछ चीजें जरूर इस तरह की कहनी चाहिए कि दोनों में किस तरह से सहभाव था, सहअस्तित्व था और किस तरह कितना अधिक आदान प्रदान था। तो मैं सामाजिक वैमनस्य या विषमता के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन वो हो सकता है रही हो, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि रही हो, लेकिन उसको भाषा पर बिल्कुल उसी मॉडल को थोप देना कि वे लोग परस्पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, इस तरह की जो चर्चाएं हैं उसका कुछ पुनः परीक्षा करने की बिल्कुल नाटकों में, संस्कृत नाटकों में 60% आगे बातें मैंने की है। भरत ने कभी यह नहीं कहा कि मैं संस्कृत का नाट्य शास्त्र लिख रहा हूं, वो बस नाटक है और उसमें 2 तरह के पाठ्य हैं, टेक्स्ट हैं, वो संस्कृत का टेक्स्ट और प्राकृत का टेक्स्ट और प्राकृत के बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो पूर्व पीठिका में
मैं खंडन कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन पुनः परीक्षा अवश्य होनी चाहिए इन मतों की कि वस्तुतः वो ठीक हैं या नहीं है। फिर पहले अध्याय का जो कार्य मैंने किया है, वो जो आगे करना चाहता हूँ, जो मेरा विषय है, उसकी उसको ठीक से समझाने की कोशिश की है, उसकी चारुता के क्या भाषिक प्रयोजक का क्या तात्पर्य है। भाषिक प्रयोजक का मेरा तात्पर्य यह है कि वो ट्रांसलेटेबल नहीं है, वो अनुवाद्य नहीं है। सामान्यतया आज की डेट में या आज के लगभग 1000 साल पहले से प्राकृत की कविता को संस्कृत छाया के द्वारा पढ़ा जा रहा है। स्वयं राजशेखर ने बाल रामायण जब लिखा तो उसके संस्कृत प्राकृत गद्यों को उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, क्षेमेंद्र ने भी अनुवाद किया। इसका मतलब है कि प्राकृत उस समय से भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि लिटरेरी प्राकृत का जो समय है वो 5वीं शताब्दी तक है, उसके बाद अपभ्रंशों का काल आ गया, तो खुद प्राकृतें भी अबूझ हो गई थी। तो संस्कृत छाया के माध्यम से पढ़ा जा रहा है, और ये माना जाता है कि संस्कृत छाया जो है, यानी संस्कृत अनुवाद, वो प्राकृत के सौंदर्य को पूरी तरह से उपस्थित कर देती है। और संस्कृत डिपार्टमेंट्स में आजकल जो पढ़ाया जाता है वो प्राकृत छूते नहीं, प्राकृत का संस्कृत ही उसका ही अनुवाद अनुवाद मात्र पढ़ाते हैं। मेरा इसमें यह भी कहना है कि केवल संस्कृत छाया के माध्यम से हम प्राकृत के सौंदर्य को पूरी तरह से मूल्यांकित नहीं कर सकते। कारण यह है कि वो दो भाषाएं हैं। यद्यपि मेरा जो मेरी थीसिस इसके साथ है वो ये है कि दोनों में आत्यंतिक नैकट्य था, अत्यंत निकटता भाषा के स्तर पर भी थी और साहित्य के स्तर पर भी थी, लेकिन फिर भी दोनों में कालिक अंतर तो है ही। अब कालिक अंतर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड विषय है, लेकिन मैं आगे उसके आऊंगा। और वो ये विषय है कि भाषाएं समांतर थी, लेकिन भाषाओं के रूप जो हैं, फॉर्म्स जो हैं, वो निश्चित रूप से अलग है। इसलिए लिंग्विस्ट्स एक को मिडिल इंडो आर्यन कहते हैं प्राकृत को, और ओल्ड इंडो आर्यन जो है वो संस्कृत को कहते हैं। तो भाषा के समांतर होने पर भी भाषाओं के रूपों में एक क्रोनोलॉजिकल अंतर है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रथम अध्याय में इसके अलावा, उसको समझाने के अलावा, चार जो सरने पढ़े वो मुझे शोध के दौरान मिले, जो चार सामान्यतया तो संस्कृत का जो काव्य शास्त्र है वो प्राकृत के सौंदर्यों का मूल्यांकन कर देता है। कारण ये है कि वो प्राकृत को भी देख करके लिखा गया है, प्राकृत के भी उदाहरण, प्राकृत को अलग भाषा मानते ही नहीं। आप जानते हैं आनंद वर्धन से लेकर के हमारा सारा काव्य शास्त्र प्राकृत के उदाहरणों से पटा हुआ है, बहुत ज्यादा उदाहरण है। तो वो कर तो देता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसके लिए संस्कृत में नियम नहीं बनाए गए हैं काव्य शास्त्र के, और कई जगह तो उसका उल्टा कहा गया है, जैसे कि स्वरों की आवृत्ति जो है। कारण यह है कि संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें दो स्वरों का सहावस्थान हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन में ऐसा था, वेदों में भी ऐसा है, वेदों में भी दो स्वरों का सहावस्थान हो सकता है, जैसे तितऊ शब्द है, त उ अ उ, दो शब्द एक साथ। लेकिन लौकिक संस्कृत में शायद आप विद्वान बैठे हुए हैं, शायद ऐसा कोई शब्द नहीं है। प्रौग शब्द है वेद में जो कि दो एक साथ हैं, लेकिन प्राकृत में इस तरह के अनंत शब्द हैं, मतलब असंख्य शब्द हैं जो कि दो स्वर पदों के बीच में भी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दो स्वरों का सहावस्थान को एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो जब दो स्वरों का एलिटरेशन हो गया, सहावस्थान का मतलब एलिटरेशन हो गया, एलिटरेशन हो गया, तो उस एलिटरेशन के कारण जो अनुप्रास हो रहा है उसको हम क्यों ना काव्य के एक मानदंड के रूप में रखें, और सुंदरता दिखाई पड़ती है वहां। अम अम गण से हर अम अमृतमय गगन शेखर, अब प्राकृत में हो जाएगा अम अम गण से हर। प्राकृत के संस्कृत के जो काव्य शास्त्री हैं वो कहते तो हैं कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्णों की समानता अनुप्रास कहलाती है, लेकिन वो बाद में नीचे टीका में कहते हैं कि वर्ण का मतलब यहां वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं, ध्यान रखिए। यहां तक कि जयरथ जो विमर्शनीकार हैं रुद्रट के, वो कहते हैं, वो प्राकृत का उदाहरण दे के कहते हैं कि आप इसमें मत अनुप्रास मानने लगिएगा, लेकिन हम अनुप्रास क्यों नहीं मानने लगे, चमत्कार ही अलंकार का कारण होता है, मतलब अलंकार ही चमत्कार का कारण होता है अलंकृत होने के नाते। अगर हमको चमत्कार लग रहा है वहां, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अलंकार होगा ही होगा।
तो चमत्कार जो है वो नैमित्तिक है और निमित्त जो है वो अलंकार है। तो निश्चित रूप से हमें अलंकार की कल्पना करनी होगी और हमारा जो अलंकार शास्त्र है इसके द्वारा समृद्ध हो सकता है। तो पहले अध्याय में उन चार बिंदुओं की चर्चा की है, शायद अध्ययन के दौरान और भी चीजें मिलें ये मुझे विश्वास है। दूसरा और तीसरा अध्याय जो मैं कर चुका हूं, कर चुकने का मतलब ये है कि अब तक जितने जितने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया उनके उदाहरणों को उसमें मैंने शामिल किया है। अगर आगे हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं अध्यायों के शीर्षकों के अंतर्गत अन्य अनेक उदाहरण आएंगे ही। तो प्राकृत और संस्कृत में जो विभिन्न जो नुमाया अंतर है, विशिष्ट अंतर है, वो ये है कि जो दो कॉग्निट लैंग्वेजेस होती हैं उसमें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा अंतर जो है वो ध्वनि के स्तर पर होता है। तो पहले दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वो ध्वनि के स्तर पर जो प्राकृत के की विशिष्टताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, जो ध्वनि परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो पा रहे हैं उन पर आधारित है। और दो तरह के चमत्कार आप देख सकते हैं, परिवर्तन देख सकते हैं। एक तो असंयुक्त व्यंजनों में यानी नॉन कॉन्जंक्ट्स जो हैं, और एक संयुक्त व्यंजनों में जो कॉन्जंक्ट्स हैं। तो संयुक्त व्यंजनों का परिवर्तन अलग तरह से होता है और असंयुक्त व्यंजनों का परिवर्तन अलग तरह से होता है, इसलिए मैंने दूसरा अध्याय जो है असंयुक्त व्यंजनों से संबंधित रखा है और तीसरा अध्याय संयुक्त व्यंजनों तथा अन्य ध्वनि शास्त्रीय प्रयोजकों के, ध्वनिगत प्रयोजकों के आधार पर रखा है। मतलब दूसरा और तीसरा दोनों अध्याय जो है उसको हम ध्वनि शास्त्रीय कह सकते हैं। ये दो अध्यायों में क्यों बांटा गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत और प्राकृत में अगर आपको विभिन्नता देखनी है तो आप 90% विभिन्नता जो है वो देख सकते हैं ध्वनि के आधार पर। मतलब आप कुछ ध्वनि नियमों को जान लीजिए और संस्कृत को प्राकृत बना सकते हैं, प्राकृत को संस्कृत बना सकते हैं। इतनी निकटता है दोनों में कि बाद में लोगों को ये भ्रम हुआ कि संस्कृत से प्राकृत निकली हुई है, और उल्टा कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ कि वस्तुतः संस्कृत से प्राकृत निकली हुई है। इसकी चर्चा आगे हमने की भी है, वस्तुतः दोनों में दोनों समांतर भाषाएं थी, लेकिन संस्कृत के रूप जो हैं वो निश्चित रूप से प्राकृत से, प्राकृत की अपेक्षा पहले के हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य में पहले आ गई थी और उसका अनुकरण बाद में होता गया, जिसके कारण हमें लगता है कि संस्कृत जो है वो भाषा पहले की थी। तो यद्यपि भाषा समांतर थे लेकिन रूप नजदीक थे। तो तीसरा अध्याय ये हो गया। चौथा और पांचवा अध्याय जो है वो पदगत प्रयोजकों के बारे में है और वाक्यगत प्रयोजकों के बारे में है, जो वाक्य के स्तर पर चारुत्व उत्पन्न करते हैं, पद के स्तर पर उत्पन्न मॉर्फोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा हमें उदाहरण मिलते हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो छठे अध्याय में जो बाकी चीजें मिलती हैं जो इसमें नहीं आ सकती उसको हमने रखा है। अर्थगत अध्ययन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि मेरा विषय ही है भाषिक प्रयोजक, जो जो भाषा के रूप पर यानी मॉर्फ के आधार पर हैं, वो सिमेंटिक्स के आधार पर नहीं है, क्योंकि जब अगर आप अर्थ करेंगे तो वो संस्कृत और प्राकृत बराबर ही हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त परिशिष्ट में शब्दों की सूची, सौंदर्य प्रकारों की सूची, पद्यानुक्रमणी, सूत्रानुक्रमणी, क्योंकि ये कार्य जो हमने किया है वो दो आधार पर है, एक तो प्राकृत की भाषा भाषिक विशिष्टताओं को देखते हुए प्राकृत के व्याकरणों का भी साइमल्टेनियस अध्ययन है, तो बहुत सारे सूत्र प्राकृत के और बहुत सारे व्याकरण हैं चंड से लेकर के और त्रिविक्रम भट्ट तक और आज तक लिखे जा रहे हैं प्राकृत के व्याकरण, तो सूत्रानुक्रमणी। इसके अतिरिक्त एक बहुत रोचक चीज ये है कि इन इन अध्ययनों के दौरान प्राकृत के ललित पद्य जो हैं, जो सुंदर पद्य हैं, अत्यंत रोचक पद्य हैं, उनके संग्रह करने का कार्य मैंने किया, और इंटरव्यू के दौरान ही मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मैं इस कार्य को सोच रहा था और कर भी रहा था, और निदेशक महोदय ने ये कहा कि इस कार्य को करना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने कैसे ये समझा कि इसको इसके साथ जोड़ा ही जाना चाहिए। तो ये कार्य बहुत लंबा चौड़ा भी हो गया है, 1500 के लगभग ललित पद्य संकलित हैं। अब इसका क्या किया जाए ये मुझे नहीं पता, इसमें शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। संस्कृत छाया मैंने की है। संस्कृत छाया वस्तुतः बहुत सारे पद्यों की संस्कृत छाया विद्यमान है,
कुछ ग्रंथों की संस्कृत छाया नहीं हुई है जिनको हमने किया है। रोचक भी है। लज्जते सहरा नवर्दी दूरी मंजिल में है। मंजिल दूर हो तो सहरा नवर्दी की लज्जत है। अब मैं शुरू करता हूं और आप जब भी चाहें तो रोक सकेंगे हमें। मैं पूर्व पीठिका की चर्चा करता हूं भारत की बहुभाषिकता पर, और मैं चाहूंगा कि समय से मैं रहूं, समय के अंतर्गत रहूं। भारत बहुभाषित करिए, तो मैं रुक जाऊं अभी ना, क्योंकि सुन रहे होंगे लोग। हेलो, नेक्स्ट सेशन शुरू कर दें। ठीक है, हमको एक दूसरे से नहीं सुन रहे। कोरोना से ज्यादा शक्ति निर्भर साथ में रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी ना। ठीक है, अच्छी बात है। पहले नहीं हो रहा था क्या? पहले भी हो रहा। ठीक है, ये इस पे क्यों आ गया, इसके ऊपर? तो शुरू करते हैं। इधर करना हूँ। तो भारत की बहुभाषिकता से हम विषय को शुरू करते हैं, और बहुभाषिकता का तात्पर्य भारत में केवल एक साथ बहुत भाषाओं का होना ही नहीं था, अपितु दो प्रकार की बहुत सारी भाषाएं तो थी ही। और प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद से अगर हम देखें तो ये उदाहरण मिलते हैं कि बहुत सारी भाषाएं एक साथ हैं। तो सबसे प्राचीन प्रमाण हमारा जो टेक्स्ट का है उसमें भी ये चीज प्राप्त होती है। देवीं वाचम जनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशव, विश्वरूपा शब्द का प्रयोग है। या जो वाक्सुक बहुत प्रसिद्ध है, ताम मा देवा विदधु पुत्रा भूरिस्थात्राम भूरिया वेशयंती। और अथर्ववेद में तो बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रकट रूप में कहा गया है, विवाचसम, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता है, पृथ्वी सूक्त में जो कहा गया है वो बहुत सारे लोगों को धारण करती है, जो कि विवाचस हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो अब फिर रामायण से बहुत ज्यादा प्रमाण आपको मिल सकते हैं। मार्ग विधान संपदा, लवकुश जब गाते हैं तो वाल्मीकि कहते हैं वार मार्ग, तो उसमें टीकाकार कहते हैं नागेश भट्ट की मार्ग और देशी, मार्गी और देशी दो प्रकार के हैं, तो देशी जो है वो प्राकृत से संबद्ध है। तो रामायण में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं सबको पढ़ूंगा नहीं। तो प्राकृत में भारत में बहुभाषिकता का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि दो बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं, अपितु ये तात्पर्य है कि ये भी तात्पर्य है कि दो प्रकार की भाषिक प्रवृत्तियां हैं। एक तो निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति है और एक स्थिर रहने वाली प्रवृत्ति है। तो जैसे प्राकृत अपभ्रंश इत्यादि जो जब लोक भाषा में थी तो वो स्थिर, वो गतिशील प्रवृत्तियों में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गतिशील ही रही। उसमें जो गतिशील भाषाएं उनकी स्थिरता की ओर प्रवणता होती है, इंक्लाइंड होती है, और जो स्थिर भाषाएं होती हैं उनके में उनमें भी आंतरिक परिवर्तन होता ही है। संस्कृत यद्यपि हम समझते हैं 2000 वर्षों तक स्थिर जैसी रही, लेकिन लेकिन उसमें भी रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, और बहुत सारे विद्वानों ने इस विषय पर कार्य भी किया है कि संस्कृत युगांतर में किस प्रकार विभिन्न भाषाओं से प्रभावित होती रही। तो इसी तरह से प्राकृत इत्यादि जो हैं वो भी एक समय ऐसा आया कि स्थिर बन गई। तो जब उनका समय नहीं था उसके बाद में भी उसमें बहुत उच्च कोटि की रचनाएं होती रही, जिसका मतलब वो तो स्थिर मतलब स्टैग्नेंट नहीं है वस्तुतः, उसमें आंतरिक गतिशीलता है। तो ये हमें ठीक से समझना चाहिए कि संस्कृत जो है और प्राकृत, अच्छा प्राकृत शब्द का मतलब सिर्फ प्राकृत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कोई एक काल विशेष में स्थिर भाषा नहीं है,
अगर हम संस्कृत के बरअक्स प्राकृत को रख करके देखें तो प्राकृत का तात्पर्य ये होता है कि संस्कृत के अतिरिक्त जितनी भाषाएं हैं लोक में चल रही है, वो सबको सबको प्राकृत के नाम से जाना गया है। यहाँ तक कि इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में कहा था कि मराठी, यहाँ तक कि जो दयानंद है वो अपने हिंदी को भी प्राकृत कहते हैं। तो एक तरह से वो अगर आप पुरानी मराठी किताबों को देखें तो उसमें मराठी भाषा के लिए प्राकृत शब्द का इस्तेमाल है। तो प्राकृत और संस्कृत एक दो भाषिक प्रवृत्तियों का भी नाम है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि संस्कृत और प्राकृत जो है उसमें पौर्वापर्य पहले कौन है बाद में कौन है, तो वस्तुतः पौर्वापर्य है भी या नहीं है इस प्रश्न पर चर्चा है। जो जैसे कि पिछले उदाहरण मैंने वेदों से लेकर के दिए, निरंतर दो प्रकार की भाषा जो बहुत प्रकार की भाषाओं का एक साथ अस्तित्व भारत में दिखाई पड़ता है, जाना जाता है। तो दोनों तरह की भाषाएं या दोनों तरह के शब्द वो अनादि हैं। अनादि मतलब हमेशा से विद्यमान है। अनादि का मतलब ये नहीं कि उनका आदि कोई नहीं रहा होगा। अनादि का मतलब यह है कि उनका आदि हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते, इसलिए हम उनको अनादि कहते हैं। उसे वाक्यपदीय में वो कहते हैं कि अपशब्द, अपभ्रंश और साधु शब्द दोनों अविच्छेदात, दोनों अविच्छिन्न हैं, उनकी परंपरा हमेशा से विद्यमान है। और आगे भी वो कहते हैं पारंपर्याद अपभ्रंश। लेकिन फिर भी उसके पौर्वापर्य को लेकर के तीन मत प्रचलित हैं। कुछ लोग पहला मत जो है वो कहता है कि संस्कृत जो है प्राकृतों का मूल है। ये प्राकृत वैयाकरण खुद कहते हैं इस चीज को। संस्कृत व्याकरण में तो जनरली प्राकृत का नाम नहीं आता है, भाष्य इत्यादि आता है। तो संस्कृत के अनेक काव्य शास्त्री जब भाषाओं का करते हैं तो वो कहते हैं संस्कृत से प्राकृत निकली हुई है। और बाद में संस्कृत व्याकरण परंपरा जो भर्तृहरि इत्यादि से है वो भी ये मानते हैं, विगुणेश्वभिधातृषु, उन लोगों ने, लोग बोल नहीं पाते थे इसलिए शुद्ध शब्द को गलत बोलते थे, वही चीज जो है वो प्राकृत हो गई, ऐसा कि इस तरह का एक मत दिया गया है। लेकिन एक मत जो है दोनों एकांगी मत, एक निकलता हुआ मत जो है वो एकांगी मत है और वो निस्सार है। कारण ये है, अच्छा प्राकृत के स्वयं वैयाकरण क्यों कहते हैं कि प्राकृत संस्कृत से निकली है, ये ग्रामेटिकल डिवाइस है उनका, क्योंकि संस्कृत शब्द जो है वो विद्यमान वर्तमान करके उनसे कुछ ध्वनि परिवर्तनों को करके वो प्राकृत के नियमों को बनाना आसान होता है, इसलिए वो एक अवधि को, एक पॉइंट को, संस्कृत शब्दों के एक पॉइंट मान करके वहां से डेविएशन के रूप में प्राकृत को देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं प्रकृति संस्कृतम, प्रकृति से निकली हुई चीज को हम प्राकृत कहते हैं। दिखाई पड़ रहा है सर स्पष्ट? अच्छा अच्छा तो संस्कृत जो है वो प्राकृत शब्दों का मूल मानना वो व्याकरणिक प्रक्रिया के अनुरोध से है। दूसरा मत जो है वो प्राकृत ही संस्कृत का मूल है। ये स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि जो नाम जो संस्कृत है उसका तात्पर्य क्या है, संस्कृत मतलब जो संस्कारित है, संस्कार किससे हुआ, वो प्राकृत भाषाओं से उसका संस्कार हुआ। लेकिन वस्तुतः ये बात ठीक, ये बात भी ठीक नहीं है इसमें, और आधुनिक प्राकृत विद्वान भी इस बात को बहुत ज्यादा समर्थित करते हैं। प्राचीन काल में भी प्रमाण मिलते हैं इसके, लेकिन वैदिक संस्कृत से इतनी नजदीक है प्राकृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत, कि लौकिक संस्कृत को आप प्राकृत से निकला हुआ नहीं मान सकते हैं। एक बार ये बात जरूर हुई थी कि संस्कृत में बहुत ज्यादा मानकीकरण हुआ था, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, और संस्कृत के बहुत सारे शब्द, प्राकृत के बहुत सारे शब्द संस्कृत में मिलते भी हैं, लिए जाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सारा संस्कृत ही प्राकृत को शुद्ध करके बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दोनों मत जो हैं वो एकांगी मत हैं। दोनों मत भाषाओं, अच्छा दोनों मत, ये दोनों मत हैं क्यों, किस आधार पर हैं, दोनों मॉर्फोलॉजिकली इतने नजदीक हैं और दोनों को लोग देख पाते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में बनते हुए। संस्कृत जो प्राकृत के व्याकरण हैं वो सब संस्कृत माध्यम से हैं, तो आप संस्कृत से प्राकृत को बिगड़ता हुआ देख सकते हैं या बनता हुआ देख सकते हैं। मध्यकाल में औक्तिक ग्रंथ लिखे गए जो बने थे, जो किस लिए बने थे, लोक भाषाओं से संस्कृत को सिखाने के लिए बने थे, तो वहां आप देख सकते हैं कि लोक भाषाओं से संस्कृत बन रही है। तो दोनों के उदाहरण, परस्पर परिणामिता जो है, परस्पर एक दूसरे में बदल
बदलना बदल पाना इतना प्रगाढ़ था कि लोगों ने इस तरह के मत स्थापित किए, और ये मत प्रायः उस काल की उपज हैं जब संस्कृत और प्राकृत दोनों को व्याकरण के माध्यम से सीखा जाने लगा था। जब संस्कृत को जब व्याकरण के माध्यम से सीखेंगे तो व्याकरण का एक उसकी एक मेथोडोलॉजी होगी होती है। व्याकरण लघुत्व प्रधान होता है, शीघ्रता से भाषा को व्याकृत करना चाहता है, इसलिए वो भाषा विज्ञान की तरह ये नहीं बताता है कि वो सारी भाषाएं एक साथ विद्यमान थी। वो तो एक को मानक मानता है, एक को अमानक मानता है, जिसको अनुशासित करना होता है उसको शिष्ट मानता है, उसको इष्ट मानता है, तो बाकी को वो अपभ्रंश कहता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, और अपभ्रंश किसी तरह डेरोगेटरी सेंस में नहीं है। ये हुआ तीसरा मत। ये है तीसरा मत जो है वो दोनों की निकटता का है, उसके विषय में हम कुछ विशेष नहीं करेंगे, और तीसरा मत ही अधिक वैज्ञानिक है। लेकिन उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए हमेशा, वो ये है कि भले ही दोनों भाषाएं एक साथ वर्तमान रही हों, लेकिन साहित्य में पहले उपस्थित होने के कारण और युगों युगों तक एक रूप होने के कारण संस्कृत के शब्द तथा उसकी ध्वनि व्यवस्था सुरक्षित रही, जिसका अनुकरण बाद में होता रहा। प्राकृत जब तक साहित्य का विषय बनती तब तक उसमें पर्याप्त ध्वनि परिवर्तन हो चुके थे, इसलिए प्राकृत के जो शब्द हैं उन शब्दों के जो रूप हैं वो संस्कृत के शब्द रूपों की अपेक्षा निश्चित रूप से बाद के हैं। तो ये बात बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखनी चाहिए कि भाषाएं यद्यपि समांतर रही हों लेकिन जो रूप भाषाओं के मिलते हैं वो संस्कृत के रूप पहले हैं। अब उदाहरण बहुत सारे मैंने दिए। सबसे पुराना प्राकृत जो है बुद्ध का प्राकृत माना जाता है, जैसे वो बुद्ध मध्यम प्रतिपदा मध्यम पटिवदा कहते हैं, या कर्मांत कर्म को वो कम कहते हैं जिससे काम बना है। तो काम और कम की अपेक्षा कर्म के रूप जो है वो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से निश्चित रूप से प्राचीन है, क्योंकि ये जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, जो एक्चुअली प्राकृताइजेशन का प्रोसेस है, वो निश्चित रूप से बाद का है। तो कर्म में र और म विषम व्यंजनों का प्राकृत में संयोग सही नहीं होता, इसलिए वो एसिमिलेट हो जाते हैं, म हो जाता है, कम हो जाता है, बाद में काम हो जाता है। इसी तरह चर्म का चम हो जाता है, राज्य का रज्य हो जाता है। तो इस तरह से वो एसिमिलेशन का प्राकृत प्रोसेस प्राचीनतम प्राकृतों में आपको दिखाई पड़ता है। बुद्ध के बाद का जो प्राकृत है वो अशोक का प्राकृत माना जाता है उसके शिलालेखों का, तो उसमें प्रियदर्शी के लिए प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आप प्रिय प्रिय जो है, हाँ, धम्म शब्द भी है, तो हर जगह देख सकते हैं प्रिय में प और र का संयोग है। वो विषम संयोग जो है वो प्राकृत में मान्य नहीं है, इसलिए वो एसिमिलेशन हो जाएगा, एसिमिलेट कर लेगा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रिय शब्द जो है वो प्रिय शब्द से पहले का है, प्रिय शब्द का रूप जो है सुरक्षित है जो कि निश्चित रूप से पहले का है। प्राकृत में उस समय जब वहां प्रिय था तो वहां क्या था ये हमें पता नहीं है, क्योंकि साहित्य में उसकी उपस्थिति बाद में होती है, बुद्ध के बाद से होती है। तो आगे चलते हैं हम। अब जो महत्वपूर्ण बात पूर्व पीठिका यानी भूमिका की है वो ये है कि संस्कृत और प्राकृत जो हैं वो कितने निकट थे, कितने नजदीक थे, स्तरों पर निकट थे। हाँ, लेकिन पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये। तो पारस्परिकता का मतलब वैमनस्य का अभाव, केवल परस्पर साथ साथ रहना मात्र नहीं, आदान प्रदान भी। तो पूर्व पक्ष इसके विषय में जो सर ने भी चर्चा की इसलिए मैं उसको स्किप करूंगा, और उसकी पुनः परीक्षा इसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले कि इन दोनों में फियर्स कंपटीशन था, इसके लिए क्या तर्क देते हैं, महाभाष्य का तर्क देते हैं कि इंट्रोडक्शन जो हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें देशपांडे सर ने चर्चा भी की थी कि अपभ्रंश कैसे किसी भाषा को कहा जा सकता है। अपभ्रंश शब्द से ही लगता है कि वो भ्रष्ट है, वो गिरा हुआ है, नीच है, वो उसको डिमीन कर किया जा रहा है। लेकिन इसमें कई उदाहरणों को और कई कई प्रमाणों को देकर के सिद्ध किया गया है कि यह अपभ्रंश शब्द बिल्कुल डिमीनिंग नहीं है। अपभ्रंश का मतलब है डेविएंट, जो ये कौन कह रहा है, पतंजलि कह रहे हैं, जो कि
वैयाकरण है, वैयाकरणों को भाषा का एक रूप इष्ट होता है, दूसरा रूप जो है उनको मानना पड़ता है कि उससे अलग है, वो अनिष्ट है। तो मानक और अमानक, अपभ्रंश का मतलब बस अमानक है, उसका अर्थ डेरोगेटरी नहीं है। संस्कृत शब्दों के अनुशासन के अवसर पर संस्कृत शब्द इष्ट हैं क्योंकि अनुशासन के विषय हैं, बाकी चीजें अनिष्ट हैं। इष्टापत्तिरपि खल्वोपि भवति, ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं। और दूसरी चीज यह है, महाभाष्य में खुद ये उदाहरण मिलते हैं कि इन वैयाकरणों की मातृभाषाएं जो है वो प्राकृत थी, अपनी भाषा के प्रति जो है कोई ये नहीं अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल अपनी मातृभाषा के प्रति डेरोगेटरी सेंस में किया जाए, ये बात विचारक्षम नहीं है। पतंजलि के अनुसार, अच्छा पतंजलि जो है वो अपभ्रंश को डेरोगेटरी इसलिए नहीं मानते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए हम तो अपशब्दों का भी अनुशासन कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य तरोपदेश न कृतम स्यात्, हम दोनों अपशब्द का अनुशासन भी कर सकते हैं, अपशब्द का अनुशासन, लेकिन हम शब्दानुशासन करेंगे संस्कृत के शब्दों का क्यों? उसमें दो कारण देते हैं और दोनों लिंग्विस्टिक कारण है, कोई भी इसमें धार्मिक कारण नहीं है। वो कहते हैं कि लघु है क्योंकि लघुत्व मतलब सरलता, इकोनॉमी है। किस चीज में इकोनॉमी है? शब्दों के अनुशासन में, क्योंकि शब्द जो है शुद्ध शब्द जिसको वो व्याकरण का शब्द कह रहे हैं वो कम है, भूयांश अपशब्दा अल्पीयांश शब्दा। फिर कहते हैं इष्टत्व, हम शब्दानुशासन करने चले, अपशब्दानुशासन नहीं करने चले, इसलिए इष्ट हमारा इष्ट जो है वो शब्दानुशासन ही है। तो वैयाकरण तो अपभ्रंश का तात्पर्य जो है डेविएंट है, और इसमें प्रमाण भी है भर्तृहरि का, शब्द संस्कारहीन हो वह, संस्कारहीन शब्द। अब संस्कार और अपभ्रंश शब्द को सुनकर के कोई भी बौखला सकता है, यहां संस्कार का मतलब बिल्कुल वो जातीय संस्कार नहीं है, संस्कार का मतलब है व्याकरण गत कल्पित। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये जितने व्याकरण की प्रक्रियाएं होती है वो एक्चुअली कल्पित है, इमेजिन्ड है। और ये वैयाकरण कहता है ईमानदारी से कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दिव्य चीज है, ये हमने कल्पना की है, रामह में राम में सु लगाया, सौ को रो को विसर्ग किया, तो ये कल्पना है बस हमारी। तो ये उस कल्पित मानक का अनुगमन जो नहीं कर रहा है वो अपभ्रंश शब्द, वो डेविएंट है। तो इसीलिए प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के शब्द जो हैं वो साधु हैं, वो शब्द हैं, वो अपशब्द नहीं है, अपभ्रंश नहीं है। तो ये अपशब्द अपभ्रंश शब्द जो हैं वो पूरी तरह से क्या है, आपेक्षिक है, रिलेटिव है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रमाण है इसमें। तो व्याकरण की जैसे मैंने कोट किया है 16वीं शताब्दी के कवि कर्णपूर ने, वो कहते हैं प्राकृत शब्द से साधु समत्वात् साधुत्वम, वो कहते हैं ना तत्त व्याकरण प्रणीतत्वाच्च, और भिन्न भिन्न व्याकरणों के द्वारा उनको प्रणीत किया गया इसलिए वो साधु शब्द ही हैं। तो ये सिद्धांत के अपभ्रंश कहना प्राकृतों के प्रति निंदा को सूचित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और इन चीजों को मैं छोड़ता हूं। महिम भट्ट जो है व्यक्ति विवेककार, वो एक साहित्यकार हैं, वो कहते हैं कि देखो व्याकरण की दृष्टि से अगर कोई शब्द शुद्ध भी हो, अगर काव्य की दृष्टि से वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो अपशब्द है वो। तो अपशब्दता जो है हर शास्त्र में अलग अलग है। तो एक बहुत सुंदर सा क्लू मुझे मिला कल, डॉक्टर अंजलि जी ने बताया कि भारतीय चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली है वो बहुत प्रसिद्ध है, और वहां भी अपभ्रंश शब्द किसी भी तरह के डेरोगेटरी सेंस में यूज नहीं किया गया है। तो और दूसरा पूर्व पक्ष ये है कि कहते हैं कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग करोगे तो पुण्य मिलेगा, बाकी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोष मिलेगा। ये तो ये बहुत बड़ा प्रमाण हो सकता है कि वे लोग जो है वो प्राकृत के प्रति घृणा करते थे, लेकिन वस्तुतः अगर हम इस मत का भी निरीक्षण परीक्षण करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि वो इतना जनरल स्टेटमेंट नहीं था। लोक भाषाओं का प्रयोग ऋषि कोटि के व्यक्ति भी करते थे, ऐसा महाभाष्यकार ने कहा, यर्वाण स्तर्वाणो नाम ऋषियो बभुवु ते अधिगत या था तथ्या। और वो इतने उच्च कोटि के थे और वे लोक में अपभ्रंश का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक जगह नहीं करते थे, और वो जगह था याज्ञ कर्मणि पुनर्नाप भाषन्ते, केवल यज्ञ के कर्म में, केवल कर्मकांड में संस्कृत का प्रयोग इष्ट था, अन्यथा अन्यत्र जो है वो केवल जनसामान्य ही नहीं, वो ऋषि कोटि का व्यक्ति जिसको ब्राह्मण तथा कथित ब्राह्मणों से भी ऊपर माना जाता है, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणा शिष्येभ्यः,
तो ऋषिकोटि के व्यक्ति भी, और उनके ऋषित्व में किसी भी तरह की हानि नहीं होती थी। तो पतंजलि के काल में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पुण्यजनकता जो है, पुण्य के साथ क्यों जोड़ा गया संस्कृत को, क्योंकि क्योंकि तब तक संस्कृत भाषा लुप्त हो रही थी और तब तक संस्कृत में बहुत लंबी चौड़ी शास्त्र परंपरा और कविताएं और सारी चीजें उपलब्ध हो गई थी, वाङ्मय राशि, उसको बचाने के लिए उन्होंने इस चीज को जोड़ा। तो ताकि हजारों वर्षों में कितनी ही पीढ़ियों द्वारा संचित इस ज्ञान राशि को तभी बचाया जा सकता था जबकि भाषा बच सके। तो भाषा के बचाने का उनके पास एक ग्रामेटिकल डिवाइस मात्र है। तो इसके अतिरिक्त महाभाष्यकार ये भी कहते हैं कि अपशब्द का ज्ञान भी धर्म जनकता में कारण है। मतलब पुण्य आपको तब केवल शब्दों के प्रयोग से नहीं होगा, अपशब्द के ज्ञान पूर्वक शब्द का प्रयोग करेंगे तब आपको, क्योंकि अगर आप शब्द यानी साधु शब्द शुद्ध शब्द का प्रयोग तब कर पाएंगे जब अशुद्ध शब्दों को ठीक से जानेंगे। तो अगर उसके प्रति घृणा होती तो वो धर्म जनकता में हिस्सा उसको नहीं मानते। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक प्रमाण है, खुद संस्कृत के अंतर्गत भी ऐसे दो शब्दों के बारे में चर्चा की गई कि एक को बोलेंगे आप तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, दूसरे को बोलेंगे तो कम पुण्य मिलेगा। एक नाकमिष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तेर वडवारथि, अगर दो शब्द हैं अचीकमत और अचीकमत, तो कहते हैं अचीकमत को बोलेंगे आप तो आप घोड़ियों से जुते हुए रथ पर शान से स्वर्ग जाएंगे, और अगर अचीकमत बोलेंगे तभी स्वर्ग तो जाएंगे लेकिन पैर घिसटाते हुए जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये नहीं है कि अचीकमत के प्रति वो डेरोगेटरी सेंस में वो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अचीकमत का प्रयोग जो है उस समय एक रूप का प्रयोग विरल हो रहा था जिसको बचाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव किया गया। जी जी अब ये जो है वो पुनः परीक्षा की बात थी। फिर जो पॉजिटिव चीजें हैं, संस्कृत और प्राकृत का भाषिक और साहित्यिक पारस्परिकता कितनी अधिक थी, इस पर चर्चा है। भारतीय विकास भाषाओं के विकास के हर क्रम में संस्कृत ने उनका साथ दिया और पुष्ट किया, साथ ही उनके साथ उनसे पुष्ट भी हुई। प्राकृतिक अपभ्रंश आदि भाषाओं का प्रचार जब विरल होने लगा और उन्हें भी व्याकरण की आवश्यकता हुई तो उनके भी व्याकरण संस्कृत माध्यम से और संस्कृत के टेक्निकल टर्म्स को यूज करके किया गया, तो जिससे लोक बाह्य होती हुई लोक भाषाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। इसका मतलब संस्कृत जो है वो एक डिवाइस थी, केवल एक भाषा ही नहीं थी, एक पूरी तांत्रिक प्रणाली थी जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान की सुरक्षा की जा सके। तो केवल संस्कृत में विद्यमान ज्ञान की सुरक्षा संस्कृत के द्वारा नहीं हुई अपितु प्राकृत और अपभ्रंश की भी सुरक्षा, और बाद में भी वो चीज चलती रही। जैसे आधुनिक लोक भाषाओं का व्याकरण लिखा गया तो सारे व्याकरण हमारे जो है वो संस्कृत के टर्म्स से प्रभावित हैं, कारक है, समास है, सारी चीजें वही होती हैं। कश्मीर शब्दामृतम और जैसे कश्मीरी का व्याकरण लिखा गया, इसके अलावा फारसी का जब व्याकरण लिखा गया, अकबर ने खुद कमीशन किया था उसको लिखवाने के लिए, बिहारी कृष्ण मिश्र ने पारसी का प्रकाश लिखा और सारा सूत्र शैली में लिखा है जैसे पाणिनि का के सूत्र है। तो यद्यपि वो कातंत्र व्याकरण से ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा संस्कृत की आदान प्रक्रिया जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं, संस्कृत ने केवल, हम समझते हैं संस्कृत दिव्य भाषा है, उसको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी दिव्यता में कारण यही है कि उसने बहुत सारी क्षेत्रों से बहुत सारी चीजों को लिया है। तो और इसी नाते वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत के स्वीकृत भी हो सकी थी। तो बहुत सारे शब्द, मुहावरे, अभिव्यक्तियां, बहुत सारे काम भी हुए हैं इस पे, जैसे टी वरो का अगर संस्कृत लैंग्वेज देखें आप, बहुत सारे 38 उदाहरण है बिल्कुल। तो वस्तुतः कितनी निकटता थी दोनों में। ये गविडवहोकार जो हैं उनके शब्दों में हम सुन सकते हैं, उम्मिलैलायण्डं पययच्छायायसक्कयवयाणं, अगर संस्कृत संस्कृत को प्राकृत की छाया मिल जाए तो संस्कृत का सौंदर्य उभर करके आता है। ये नवीं शताब्दी की रचना है। और प्राकृत को संस्कृत का संस्कार का उत्कर्ष मिल जाए तो प्राकृत का प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। तो हमारी परंपरा भी इन दोनों के निकटतर, उम्मिलैलायण्डं
प्राकृत की छाया यानी सौंदर्य, छाया का मतलब कांति, छाया सूर्य प्रिया कांति ही, प्राकृत की का सौंदर्य अगर संस्कृत के वचनों को मिल जाए तो उम्मिल लैलायण्यम यानी उन्मीलित लावण्यम, उसका जो लावण्य है वो उन्मीलित हो जा, वो हो उठता है, और प्राकृत का प्रभाव भी संस्कृत के संस्कार के उत्कर्ष से होता है। इसके अलावा अब ताल ठोकते हुए स्वर में कह रहे हैं शंभु रहस्य नामक कोई तांत्रिक ग्रंथ है शायद, वो कहते को विनिंदे दिमाम भाषाम, प्राकृत भाषा की निंदा करने की हिम्मत किसमें है, यस्याः प्राचेतसः पुत्रो व्याकर्ता भगवान ऋषि, जिसका सबसे पहले व्याकरण वाल्मीकि ने लिखा। तो मतलब एक परंपरा है कि जो त्रिविक्रम भट्ट की षड्भाषा चंद्रिका है, षड्भाषा चंद्रिका के सूत्र वाल्मीकि ने लिखे थे, तो पाणिनि से भी पहले हैं, तो हमारी हमारा हमारा व्याकरण तो पहले है, हमारे व्याकरण में संस्कार पहले है, तो संस्कार जो है अब संस्कार से युक्त जो है उसको आप अपशब्द नहीं कह सकते। और ध्यान रखिए कि ये चीज संस्कृत में लिखी जा रही है, संस्कृत की परंपरा लिख रही है। मैंने प्राकृत के और जैनों के आगमों से उदाहरण नहीं लिए, उसमें तो भरे हुए उदाहरण है कि वो अर्धमागधी को ही सबसे पहली भाषा मानते हैं, संस्कृत को दिव्य भाषा माना है, वो कहते हैं कि अर्धमागधी केवल देवताओं की भाषा नहीं, वो तो चिड़ियों की, कौओं की, सारे सारे लोगों की भाषा है। तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में देखते हैं आनंद वर्धन परिवार नाम लिया, आनंद वर्धन ने ये काम शुरू किया था क्योंकि आनंद वर्धन खुद वो प्राकृत के कवि थे, एक विषम बाण लीला नामक ग्रंथ लिखा उन्होंने जो प्राकृत में ही है। संस्कृत के नाटकों में आप देखें आधे से अधिक पात्र संस्कृत में, तो संस्कृत के नाटक हम बस लिख रहे हैं, वस्तुतः संस्कृत नाटक संस्कृत ड्रामा की लिखते हैं तो वो संस्कृत जैसा, लेकिन संस्कृत नाटक संस्कृत का नाटक हो ये वास्तविक बात नहीं है। और संस्कृत के बहुत सारे छंद, बहुत सारी काव्यविधाएं प्राकृत से आई हैं, जैसे आर्या छंद जो बहुत प्रसिद्ध है आप लोगों ने सुना होगा, वस्तुतः ये गाथा का संस्कृतीकरण है आर्या। और ऐसे कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी वस्तुतः मूलतः प्राकृत की थी और संस्कृत में ही है, अब संस्कृत में विद्यमान है बस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैकोबी ने कहा है और उनकी बात में बहुत सत्यता भी, हरमन जैकोबी एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भारतविद थे, उन्होंने तिलक की ही तरह वेदों का समय जो है वो गणित के आधार पर किया था, तो वो भारतीय भाषाओं के बहुत प्राकृत के बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने कहा कि प्राकृत की शैली संस्कृत ने स्वीकार की, इसीलिए संस्कृत जो है वो ज्यादा सुंदर हो सकी और उसका रिनेसा, उसका पुनर्जागरण हुआ, जिसको वैदर्भी शैली के नाम से हम जानते हैं, और ये वास्तविकता भी है। कालिदास से हम वैदर्भी शैली को देखते हैं, कालिदास गाथा सप्तशती से के बाद के हैं, गाथा सप्तशती पर उनका उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो और वैदर्भी शैली की जो विशिष्टताएं बताई जाती हैं, माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर रचना ललितात्मिका इत्यादि, वो सब प्राकृत की विशिष्टताएं हैं वस्तुतः। तो गौड़ी इत्यादि जो है वो संस्कृत की अपनी शैली ऐसा कहा जाता है। तो नाथ देखिए कामसूत्र में कहा है, अच्छा संस्कृत की परंपरा में ये कहा है कि आप केवल संस्कृत का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। नात्यंतम गोष्ठियों में क्या करेंगे आप, अब बात यह हुई है कि केवल अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में बस अंग्रेजी बोलना है, इसलिए हमें घर में भी अंग्रेजी बोलना है, हम लोगों को डांट पड़ती है कि बच्चों तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब कि तुम नहीं बोल पा रहे हो। हम क्या कहें, हमारे माता पिता नहीं बोलते थे, हम कैसे बोल रहे हैं। नात्यंतम संस्कृते नैव नात्यंतम देशभाषा, आप बिल्कुल संस्कृत में और बिल्कुल देशभाषा में नहीं बोलेंगे। विष्णुधर्मोत्तर पुराण जो कि बहुत पुराना है और वो उसमें लिखा है कि इवन जो टीचिंग होती थी ना, गुरु किसे कहते हैं, गुरु की परिभाषा दी गई है कि अपने बच्चों को देख करके वो प्राकृत का भी प्रयोग करे, संस्कृत का भी प्रयोग करे, इसलिए नहीं कि संस्कृत नहीं आती है उसको तो इतना संस्कृत बोले कि वो बेचारा हिम्मत छोड़ दे, कॉलेज स्कूल ही छोड़ दे। तो संस्कृत एर प्राकृत एर वाक्य यह शिष्य मनुरूपतः देशभाषा, केवल प्राकृत ही नहीं देशभाषा भी, तो तीन भाषाएं प्रचलित थी उसके अतिरिक्त देशभाषा जिसको अपभ्रंश कहते हैं। जनसंघाभिगमनम देशभाषा उपजीवन, और कवियों के लिए तो श्रीमती ने बताया है कि आपको आपको लोगों के बीच जाना है तभी आप कविता लिख पाएंगे, देशभाषाओं को सीखना है क्योंकि
कवित्व का सौंदर्य जो है देश भाषाओं में होता है। राजशेखर कहते हैं कि सामान्य एक भाषा में लिखने वाला कवि है, लेकिन कई भाषाओं में लिखने वाला जो है कविराज है, और उसकी विशिष्ट होती थी। और आप जानते हैं कि बाद तक संस्कृत के कवि प्राकृत में लिखते रहे। 18वीं शताब्दी तक जो विश्वेश्वर पंडित हैं कुमायूं के, उन्होंने प्राकृतमय ग्रंथ लिखा है, वो सट्टक सिंगार मंजरी। तो इसलिए भी लिखते थे लोग कि प्राकृत में लिखना जो है वो हमारी क्षमता का परिचायक है। और हमने वो चर्चा की थी वो कश्मीर शैविज्म के ग्रंथ का, जिसको महार्थ मंजरी। तो प्राकृत कविता के चारुत्व और उसके भाषिक प्रयोजक, मैं 15 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा जैसा कि आपका आदेश है। तो प्राकृत कविता का सर्वमान्य सौंदर्य है, एक तो प्राकृत कविता बहुत ही सुंदर है, ये बात बहुत बार कही जा चुकी, इस पर मेरा कार्य नहीं है। उसके सामान्य सौंदर्य की चर्चा करना मेरे शोध का विषय नहीं है। प्राकृत कविता का जो अतिरिक्त चारुत्व है उसकी चर्चा हमारी हमारे अध्ययन का विषय है। तो सर्वमान्य सौंदर्य क्यों कहा जा रहा है कि संस्कृत कविता की निंदा आपको मिल सकती है, लेकिन प्राकृत कविता की निंदा आपको, प्राकृत भाषा की निंदा आपको कहीं मिल सकती है, लेकिन प्राकृत कविता की निंदा आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है, मिलेगी आप। तो प्राकृत कविता का जो अतिरिक्त चारुत्व है, जो उसके भाषिक उपादानों के कारण है, वो मेरे अध्ययन का विषय है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आगे उदाहरणों से वो चीज स्पष्ट हो जाएगी। लोक तथा काव्य की स्मृति इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में मैंने ये चर्चा की थी कि कवि इस चमत्कार को कैसे कर पाता है, क्योंकि उसके पास एक विशेष प्रकार की स्मृति होती है, और वो स्मृति ही वस्तुतः उसकी प्रतिभा है। एक साथ उपस्थित होते हैं अहम अहमिकया शब्द उपस्थित होते हैं कवि के पास, कहते हैं हम आएंगे, इस तरह करके कवि के पास शब्द आते हैं। तो वो स्मृति ही वस्तुतः हमारी जाती है, स्मृति ही सरस्वती है। तो प्राकृत कविता के अमूल्यांकित प्रयोग जो हैं, जो इवैल्यूएटेड नहीं है, वो चार जिसको सर ने कहा उसकी हम चर्चा, उसके यहाँ उदाहरण है, उसकी चर्चा मैं बहुत कम करूंगा। देखिए संधियों के अभाव एक तो पहला पॉइंट जो है और दूसरे पॉइंट में अंतर है। पहला पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल वॉवेल्स हैं, जो संधियां नहीं होती। संस्कृत में दो स्वर एक साथ मिले तो 100% ये होता है कि संधि हो जाए, विवक्षा भी होती है लेकिन हो सकती है। प्राकृत में वैदिक संस्कृत की तरह संधियों की विकल्प का विकल्प है, तो संधि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दो स्वरों में संधि नहीं होने का मतलब क्या है? दो स्वरों का एक साथ होना, को एग्जिस्ट करना, को एग्जिस्टेंस का मतलब एलिटरेशन है, अनुप्रास है, तो एक अतिरिक्त चमत्कार आ जाता है। दणुइंद जैसे दणुइंद उ ई मिल गए संस्कृत में नहीं। अब नीचे मैंने संस्कृत देखा, आप लोग नीचे अगर देखें तो उसके बरक्स संस्कृत के शब्द संस्कृत के रूप लिखे गए हैं, जैसे धनुजेंद्र हो गया वहां। उद्वृत्त स्वर क्या होते हैं? ये इंटरनल स्वरों की बात है, आगे हम देखेंगे कि उसमें समाप्त हो जाते हैं बहुत सारे व्यंजन, व्यंजन का लोप हो जाना, स्वरों का बाकी रहना। स्वर जब बाकी रहते हैं तो स्वर एक साथ आ सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ही अ ए। संस्कृत में कभी ये हो ही नहीं सकता, ही अ ए, अ ए तुरंत कहते अधिक गुणा या वृद्धि संधि कर दो, ही अ ए नमाई लखीय रेय सो वियडे विषय परियोसो। अनुप्रास के नवीन प्रकार आपको मिल से अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास जो है वो काफिया या रदीफ जिसको कहते हैं फारसी उर्दू में, जिसको हिंदी में तुक कहते हैं, राइमिंग कहते हैं। संस्कृत में राइमिंग नहीं होती, संस्कृत में मराठी में उसको यमक कहते हैं, वो यमक संस्कृत में नहीं है, इवन प्राकृत में नहीं है, यह अपभ्रंश से आता है जिसको गीत गोविंद कार ने लिया है, जैसे धीर समीरे यमुना तीरे। तो ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। प्राकृत में ये बहुत ज्यादा होता है, इसको हमें इस आधार पे करना चाहिए। और जैसे कहा कि छेकानुप्रास से वृत्ति अनुप्रास, यानी जो जो रैंक शिफ्टिंग ऑफ एलिटरेशन है वो भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, जोग्गा परिग्रहो, संस्कृत में देखिए क्या है, योग्या परिग्रहो, इसमें केवल गौ गौ की अनुवृत्ति हो रही है दो बार। प्राकृत में क्या हुआ, एसिमिलेट होने के नाते परिजुग्गा परिग्रहो, यानी गौ की चार बार अनुवृत्ति हो गई। तो ये छेकानुप्रास वहां था, यहाँ वृत्त्यनुप्रास हो गया, वो अनुप्रास ही रहा लेकिन उसकी विशिष्टता हो गई।
अब द्वितीय और तृतीय सोपान में इतने सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं, वो मैंने उसमें लिखा था। ये ग्रंथ जो है वो पहली शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के हैं, इसलिए 2000 वर्षों का लगभग है 18 ग्रंथ 18। हाँ, द्वितीय सोपान जो है वो मतलब द्वितीय अध्याय जो है वो चारुत्व के प्रयोजक जो असंयुक्त व्यंजनगत हैं। असंयुक्त व्यंजनों में तीन तरह के परिवर्तनों पर आधारित ये अध्ययन है दूसरे सोपान का। वो मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों का लोप है, मध्यवर्ती मतलब इंटरवोकेलिक जो कॉन्सोनेंट्स हैं जो अल्पप्राण है उनका लोप हो जाता है प्राकृत में। क ग च ज त द प य वम प्रायोलोप ऐसा प्रायोलुक ऐसा सूत्र है। तो इस पर आधारित कुछ 36 प्रकार की काव्य विच्छित्तियों का काव्य सौंदर्य का विश्लेषण किया गया है। कुछ उदाहरणों को मैं दूंगा, बहुत कम उदाहरण लिखे हैं, उनमें से भी बहुत कम उदाहरण मैं यहाँ दूंगा। जैसे वृत्त्यनुप्रास, पहले शब्दालंकार फिर अर्थालंकार। वृत्त्यनुप्रास में जैसे देखिए सकल शीतल है संस्कृत में, प्राकृत में सल सीयल हो गया, यानी क और त का एलिटरेशन तो नहीं हो सकता लेकिन अ और अ का एलिटरेशन हो सकता है। अंत्यानुप्रास में जैसे देखिए पंफुल्लिया मल्लिया, प्रफुल्लिता मल्लिका, फूल गई है खिल गई है मालती। तो लिया और लिया वस्तुतः ये अंत्यानुप्रास है, पादांतक अपादांतक अंत्यानुप्रास इसको कहेंगे, वो केवल प्राकृत में ही है, संस्कृत करके देखिए वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी जो अनुवाद के असहिष्णु चमत्कार हैं वही इस अध्ययन के विषय हैं और अध्ययन का वास्तविक विषय यही है। फिर व्याजस्तुति अलंकार देखिए इसी नाते कैसे हो रहा है। रयण दीप शब्द है, आप ध्यान से देखें वहां तो वो संस्कृत में रत्न दीप भी हो सकता है और रत्न द्वीप भी हो सकता है। व्याज स्तुति का मतलब ये है कि जब किसी की प्रशंसा की जा रही है लेकिन निंदा में पर्यवसित हो रही है बात, और निंदा कर रहे हैं लेकिन प्रशंसा हो रही है। तो कोई राजा के राजा कवि राजा से ये कह रहा है कि देखो तुमने बहुत सारे द्वीपों को जीत लिया है लेकिन तुम्हारी दीपावली में एक भी प्रदीप नहीं है, तुम्हारी दीपावली ऐसी है जिसमें एक दिया भी नहीं है। वस्तुतः वो कहना चाह रहा है कि तुमने बहुत सारे रत्न के द्वीपों को जीता है और तुम्हारी दीपावली में द्वीपों के समूह में कोई पैव यानी प्रतीप, पैव का मतलब प्रदीप, प्रदीप भी हो जाएगा और प्रतीप भी हो जाएगा, प्रतीप मतलब शत्रु। इतने सारे आइलैंड्स तुमने जीते और उसमें एक भी शत्रु नहीं है, तो वो निंदा कर रहा है लेकिन वस्तुतः प्राकृत की इस श्लेषात्मक विशिष्टता के कारण वो बात पर्यवसित हो रही है प्रशंसा में। वो राजा की राजा के सामने तो निंदा नहीं कर सकता। अर्थांतरण न्यास जैसे है, जैसे मयेण है, मृग शब्द और मद शब्द दोनों प्राकृत में म के रूप में आएंगे क्योंकि दोनों जो है वो एक तरह के हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, ये गाथा है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे वो उसका मृग यानी उसमें जो हिरण है वो दिखाई पड़ने लगता है। और दूसरा अर्थ होगा जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे उसका मद बढ़ने लगता है। मद से अर्थ नहीं लेंगे हम, मृग से अर्थ लेंगे। और नीचे जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी समृद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो कि अहंकार से युक्त न हो जाए। जैसे चांद मृग से युक्त हो जाता है वैसे ही ऋद्ध व्यक्ति जो है वो मद से। तो ये अर्थांतरण न्यास अलंकार है, जब एक एक शब्द से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से हम समर्थन करते हैं तो अलंकार, ये अलंकार होता है। अच्छा, हमारे अध्ययन में काव्यशास्त्रीय अध्ययन भी है, हमने अर्थांतरण न्यास को समझाया है काव्यशास्त्र के अनुसार और किस तरह से प्राकृत के द्वारा प्रयोजित अर्थांतरण न्यास है ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मध्यवर्ती महाप्राण व्यंजन है उनका ह हो जाता है, जैसे मुख शब्द है संस्कृत में तो हिंदी में मुह हो जाता है। शोभन शब्द है सोहन सोहना, ये हो जाता है। तो जैसे यमक अलंकार का उदाहरण देते हैं, जैसे ऊपर है साभिमुखी, संस्कृत में है साभिमुखी, भ का ह ख का ह, ये दोनों महाप्राण है दोनों का ह हो गया, तो क्या शब्द बना साहिमुही, तो ह ह का एलिटरेशन हो गया, ये केवल प्राकृत में हो सकता है। यमक अलंकार देखिए विशाखिका और विषाधिका दोनों के लिए प्राकृत में एक ही शब्द बनेगा विसाहिया,
तो कोई गोपी कृष्ण से कह रही है कि विशाखा के चक्कर में मत पड़ो, वो विशाखिका जो है वो विषाधिका है, वो जहरीली नागिन है। तो ये यमक अलंकार जो है वो यमक तभी हो पाएगा ना जब जो उसका उसकी अनुपूर्वी एक जैसी है। तो संस्कृत में विशाखिका अलग हो जाएगा, विषाधिका अलग हो जाएगा। अब देखें जो कृपण और कृपाण जो हैं वो एक जैसे होते हैं, जो कंजूस आदमी होता है वो तलवार की तरह होता है। अब कंजूस तलवार की तरह कैसे होगा, तो वो ये उपमा है, उपमा श्लेष के कारण है और श्लेष केवल प्राकृत में है। कह रहे हैं क्यों, दोनों लोहमय हैं, दोनों लोह, एक लोह का मतलब लौह है यानी लोहा, तलवार लोहे से बनता, वो लोह का मतलब लोभ क्योंकि भौकाहो हो जाता है। तो लोहमय अगर ये शब्द नहीं होता तो दोनों समान नहीं हो पाते। अर्थापत्ति है, जैसे एक सुंदर सा उदाहरण है, वो कह रहा है कोई विरहिणी है, पति से बिछड़ी हुई है, वो कह रही है कि ये अकेला जो वो था फाल्गुन, फाल्गुन महीना जो है वो विरह वो मुझे मार रहा था। गयवई, गयवई के दो अर्थ हो गए, गतपति जिसके पति चले गए हों, और गयवई का दूसरा अर्थ गजपति, और भीम यानी भयंकर, और भीम का मतलब भीम जो महाभारत का पात्र है, विरहो का मतलब विरथा। रथ अगर भीम के पास नहीं है तब भी वो बड़े बड़े गजपतियों को मार देता है। और दूसरा अर्थ क्या होगा कि विरह जो है वो गतपतियों को मारने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरह की अर्थापत्ति, अब अर्थापत्ति क्यों है इसका समय नहीं बताने का। विरोधाभास, जो विरोधाभास का सुंदर सा उदाहरण है, कवि जो हैं, नीचे शब्द देखिए सुहासियम, सुहासी मतलब सुभाषित, और दूसरा अर्थ होगा सुधासितम, सुधासित, सुधा मतलब होता है चूना, चूने से रंगा हुआ। कवियों के जो सुभाषित होते हैं, सुंदर बातें जब कहते हैं तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मुंह काला हो जाता है, ये क्या किया, ये तो इसने मैदान मार लिया। तो अब ये विरोधाभास हो रहा है, जब हम सुधासित कहेंगे उनके वचन कैसे हैं, चूने की तरह सफेद हैं, चूने की तरह जो सफेद चीज है वो किसी के मुंह को काला कैसे कर सकता है। तो ये विरोध का परिहार तब होगा जब हम समझेंगे कि सुधा सुहासी का दूसरा मतलब सुभाषित है, इनके सुभाषित जो है उनके मुंह को काला कर देते हैं। तो व्यंजनों के व्यंजनांतर आदेश ये आगे देखते हैं, आवण्णाई कुलाइम दूसरे व्यंजन आदेश हो जाते हैं। तीसरे सोपान पर हम चलते हैं, समय बहुत कम है। चारुत्व के संयुक्त व्यंजनगत और अन्यान्य प्रयोजक, तो इसके अंतर्गत कुल 9 ध्वनि परिवर्तनों को के आधार पर 30 सौंदर्य प्रकारों का विवेचन किया गया है। ये तीसरा सोपान तीसरे अध्याय में व्यवस्थित है। हमने एसिमिलेशन की बात की, प्राकृत का कि ये मर्यादा है, संस्कृत और प्राकृत में मुख्य अंतर, सबसे प्रमुख अंतर यही है कि संस्कृत में दो विपरीत व्यंजनों का एक साथ कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, प्राकृत में ऐसा नहीं हो सकता है। प्राप्त जो है, हम प्राप्त बोलते हैं संस्कृत में, प और त एक साथ आ गए, प्राकृत में ऐसा कभी नहीं हो सकता, पत्त हो जाएगा। तो धर्म जो है धम्म हो जाए, कर्म कम, तो किस आधार पर कौन बचेगा कौन जाएगा इसका ये चार्ट है कि जो बलवान होगा वो बचेगा, बलवत्ता का चार्ट ऊपर है। नीचे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे वे ध्वनियां कम बलवान होती जाती है जिसके नाते वो लुप्त हो जाती है, जब लुप्त हो जाती है तो एक कॉम्पेंसेटरी डुप्लीकेशन हो जाता है उनका। जैसे देखिए सर्व शब्द है और श्रव्य शब्द है, श्रव्य और सव्य, सर्व दोनों का प्राकृत में बनेगा सव्य, सव्वाइम कव्वाइम सव्वाइम जेण होंति भवियाइम, सारे काव्य जिससे श्रव्य हो जाते हैं उनको अलंकार कहते हैं, ये अलंकार का लक्षण है अलंकार दर्पण में, सारे काव्य जिससे श्रव्य हो जाते हैं, तो सव्य जिससे सव्य हो जाता है। श्लेषोत्थापित उपमा देखिए, क्रव्य और काव्य, क्रव्य का मतलब होता है मांस और कच्चा मांस, और काव्य का मतलब पद्य। तो कुवलयमाला कथा में कहता है कि शराब जो जो मांस खाने का आनंद है वो तो शराब के साथ ही है, शराब का नशा उतरा कि मांस का आनंद समाप्त हो जाता है। हाला 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 मतलब शराब, और हाल वो थे जो के महाकवि थे और राजा थे सातवाहन, जब हाल चले गए तो काव्य समाप्त हो गया, क्योंकि काव्य के वो बहुत बड़े पेट्रॉन थे,
तो हाल जब चले गए तो काव्य नष्ट हो गया, और हाला जब चला गया, ऐसे ही जैसे हाला जब चला जाता है तो मांस खाने का आनंद नष्ट हो जाता है, ऐसा ऐसा उनको लगता होगा, हमें ऐसा पता नहीं है। तो स्मर सर सर, जैसे देखिए सर सर सर, एक सर है स्मर के लिए, दूसरा सर है शर के लिए। कामदेव के बाण स्मर का शर, लेकिन वो हो गया सर सर, जो कि हो गया यमक। वसंत मास, वसंत मास शब्द सुनने से ही कितना सुंदर अनुभूति होती है, लेकिन प्राकृत का कवि वसंत मास को वसांत्र मास भी ले सकता है। वसा आंत और मास, फैट है, आंत है और मास है। तो प्राकृत का कवि कहता है, वो विरहिणी कहती है कि वसंत मास में मैंने सोचा था कि आम का पेड़ जिसको मैंने आंगन में लगाया वो मेरी सहायता करेगा, लेकिन वसंत मास के आने पर मुझ विरहिणी के मांस आंत और वसा ये सबको जला रहा है, कमजोर कर रही हो रहा है। श्लेष के नाते उपमा, मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो रही होगी या अस्पष्ट हो रही है, पता नहीं। तो संवाहन सुहरह रस तोसियेण देंतेण तुह करे, देखिए लाक्षा शब्द आलता को बताता है और लक्ष शब्द लाख को बताता है, एक लाख, लेकिन प्राकृत में दोनों शब्दों का रूप लख हो जाता है। और एक बहुत सुंदर सी गाथा गाथा सप्तशती में है, संवाहन का मतलब है शत्रुओं को मारना और दूसरा संवाहन का मतलब है पैर दबाना। नायक नायिका का पैर दबा रहा है और उसके पैर में नया नया आलता लगा हुआ है, तो उसके हाथ में, हाथ पैर दबाते हुए उसके हाथ में लाक्षा लग जा रही है। तो उसकी सखी कह रही है, तुमने तो विक्रमादित्य को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि विक्रमादित्य जो संवाहन करता था, शत्रुओं को मारता था, उसका जो घुमाश्ता है उसको वो लाख देता था, लाख रुपए देता था, और तुम्हारा जो संवाहन कर रहा है उसके हाथ में तुम आलता यानी लाक्षा यानी लाख के रंग को लगा रही हो। तो ये सौंदर्य केवल प्राकृत में ही संभव है, और ये 2000 साल पुरानी कविता है तो लोग उसको समझते थे। यमक इसको मैं छोड़ दूंगा। प्राकृत में अनेक वर्णों के अभाव के कारण भी बहुत चमत्कार उत्पन्न होते हैं, इसको मैं छोड़ता हूं। प्राकृत में विपर्यय, विपर्यय एनाप्टिक्स को कहते हैं, और मेटाथीसिस, और नायिका जो है वो नगर की तरह है, क्योंकि नगर में बड़ी बड़ी रथ्याएं होती हैं और उसकी आंखें बड़ी हैं। तो इसका किसका क्या मतलब, उसकी आंखें बड़ी हैं तो वो नगर की रथ्या की तरह कैसे हो गई, नगर की तरह कैसे हो गई, लेकिन प्राकृत में ये हो सकता है क्योंकि प्राकृत में दीर्घ रथ्या और दीर्घाक्षा दोनों का शब्द, दोनों का रूप दीहरच्छा हो जाता है, क्योंकि दीर्घ का दीर्घ बनता है, दीर्घ का विपर्यय होकर के दीघर बनता है, फिर दीघर का दीहर बन जाता है। तो ये इतना मैं करता हूं और अब समापन की दो चार तीन बातें कह करके मैं छोड़। इस शोध कार्य में जिन काव्य ग्रंथों का उपयोग किया गया उसके आधार पर मैंने उदाहरण यहां एकत्रित किए। बहुत सारे काव्य ग्रंथों का उपयोग होना शेष है, शेष इसलिए है कि प्राकृत का कम से कम 2000 वर्षों का साहित्य है, लिखित साहित्य है, रचित साहित्य है, उसके अध्ययन के बिना, उनके अध्ययनों को सम्मिलित किए बिना ये शोध प्रामाणिक और समेकित नहीं हो सकेगा। जिनका अध्ययन इस शोध के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है वे ग्रंथ इस तरह से हैं, कुवलय माला, लीलावई इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, रंभा मंजरी, कथा साहस्री इत्यादि कथा ग्रंथ हैं। दूसरे प्राकृत के छंदों ग्रंथ जिनमें ज्ञात अज्ञात प्राकृत कवियों की सुंदर कविताएं प्रकारांतर से एकत्रित हैं, जैसे वृत्तमौक्तिक, स्वयंभू छंद, गाहालक्षण, प्राकृत पैंगलम इत्यादि। फिर संस्कृत का विशाल नाट्यवांग्मय जिसको हमने अभी तक नहीं छुआ है, जिसमें अधिकतर पाठ्य प्राकृत के हैं, उसमें आप अश्वघोष यानी ईसा पूर्व एक पहली शताब्दी से लेकर के आप बहुत बाद तक, यानी जब संस्कृत नहीं, जब प्राकृत नहीं भी रही तब भी संस्कृत की के नाटक जब लिखे जाते थे तो उसमें प्राकृत के ही पाठ्य लिखे जाते थे, अब तक हाल तक यही काम किया जाता था। तो कवि कर्णपुर इत्यादि के जो 16वीं 17वीं शताब्दी के हैं वहां तक के नाटकों का एक पूर्णतया प्राकृत अंशों का अध्ययन अपेक्षित है। ये मेरे अध्ययन का प्रस्तुति थी, उसका सारांश था और
मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर, जैसे इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में दिया था, जो हमारे निदेशक महोदय हैं जिन्होंने इस विषय को, और जितने लोग भी उस समिति में थे जिन्होंने इस विषय को पसंद किया और इतनी इतने महनीय जगह किया ही है। तो ये जो दो सवाल मैंने उठाया था, सवाल को देखो आप बड़ा सवाल है, ये भाषाओं की जो मौत है आखिर होती क्यों है और क्यों, ये स्वाभाविक है, किसी भाषा का जिंदा रहना बड़ा आश्चर्यजनक है, संस्कृत का मरना या माफ कीजिएगा संस्कृत का लुप्त होना ये आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक यह है कि संस्कृत अभी तक किस तरह से अपने दमखम से विद्यमान है, वो कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। संस्कृत तो 2000 साल पहले लोक भाषा से लोक से लुप्त हो चुकी थी, उसके बाद भी बचा होना इंपॉर्टेंट है। वो तो संस्कृत में जिंदा है, आप संस्कृत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत है, आप प्रिय का इस्तेमाल करते हैं प्रिय का नहीं करते, पिया नहीं कह सकते किसी को, आप प्रिय कहते हैं। रीसंस्कृताइजेशन तो हमारी भाषाओं की एक बहुत गाढ़ी प्रक्रिया है, शिमला निश्चित रूप से उसको वो तो होगा। क्या बात, बिल्कुल संस्कृताइजेशन हमारी भाषाओं की प्रकृति है, इसी नाते हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, बिल्कुल। सर कोई प्रोफेसर बेस पॉइंट, हाँ मैडम ने कुछ प्रश्न पूछा है। आई वाज वंडरिंग द ट्रैवल ऑफ संस्कृत लाक्षा इनटू प्राकृत लक्खा विद देयर एसोसिएटेड मीनिंग्स इनटू अ वे ऑफ सेइंग इन मराठी डोक्यात लक्खा लख उजेड पाडला आई कैन नॉट राइट इन द ये मैडम ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि ये वही लक्ष्य जो है वो संस्कृत मराठी में भी अभी भी विद्यमान है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। वो जो लक्ष्य हाँ एक लाख, वो दोनों शब्द आप भी संस्कृत लाखा लाख जो है हिंदी में भी लाख उसी मतलब दो अर्थों में है। हाँ वो दूसरा उदाहरण था, राजा जो है वो कहता है कि हे राजन तुम अपने लोगों को लाख देते हो, तो लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी पत्नी मेरी बात पर सपाद लक्ष्य देती है यानी सवा लाख देती है, लेकिन एक्चुअली सपाद लक्ष्य का क्या मतलब है, एक पैर ऐसा मारती है जिसमें ला आलता लगा हुआ होता है, तो आलते लगे हुए पैर से मुझे मारती है। मुझे लगता है वो आसान शिकार होती है ना, सैद जबून जिसको कहते हैं। इस बार इस पत्ते को हम छुपाए रखेंगे। मेरा एक सवाल था सर, छोटा सा सवाल है, ये वो पूछ रहे हैं सर बाकी तरीके से भाषण किया, छोटा सा सवाल है ये राजू 30 कैसे होगा के लिए, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन है, जैसे मान लीजिए आपको संस्कृत भी जानते हैं फारसी भी जानते हैं, अब असुर शब्द को ले, हाँ असुर शब्द जो है वो अहोर बन जाता है, सही बात है, सकह होना सकह हो, इसकी कोई थ्योरी है क्या कि ये स से ह हुआ ना कि ह से स? हाँ नहीं, मूल भाषा में तो निश्चित रूप से सौ से ह हुआ, कारण ये है कि हमें केवल संस्कृत केवल फारसी में ही उदाहरण नहीं मिलते हैं, हमें मराठी में हमें प्राकृत में उदाहरण मिलते हैं, जैसे दिवस को प्राकृत में होता है दियह, तो यहाँ भी सौ को ह हो रहा है, तो वस्तुतः जो फारसी है वो प्राकृताइजेशन के ही कारण हुई है, तो जो अवेस्ता थी उसका प्राकृताइज्ड रूप जो है वो फारसी है, फारसी में वे सारे अभिलक्षण मिलते हैं जो कि हमारी प्राकृत भाषाओं में मिलते हैं, तो निश्चित रूप से सौ पहले था और उसके बाद ह हुआ, ह हमारी भाषाओं में बहुत कम था, हमारी भाषाओं में ह जो है वो नैमित्तिक है अधिकतर, जैसे आप वेद में भी देखें, वेद में अगर आप देखें जो गृहणाति शब्द है ग्रहण, वेद में ग्रभण है वो, तो भ एक्चुअली ह हुआ है, उसी चीज को प्राकृत में आप बहुत ज्यादा इंटेंसली देखते हैं,
तो अगर आप प्राकृतिकाइजेशन देखना जो है अपनी भाषाओं को भी समझना, अपनी इंडो ईरानियन भाषाओं को भी समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो एक्चुअली हम संस्कृत जानते हैं, आजकल की भाषाएं जानते हैं, लेकिन दोनों के संबंध को नहीं जान पाते क्योंकि उसके बीच में जो 1500 वर्षों का प्राकृत का इतिहास है उसको नहीं जानते हैं। तो ये मेरा सबमिशन है। सुशांत, एक और सवाल था जी, जब आपके पास स का ह होता है और ह का स नहीं होता, नहीं ह का स जी, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। जी, सूर्य का हेलियस हो गया, र का ल हो गया, साधारण हम देखते हैं हेलिया, बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रीक या लैटिन में। अब आप ये सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सारे आर्यन ग्रेस थीसिस तो बिकने में मिल गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। तो ये तो पूरी की पूरी थीसिस हो जाएगी अगर इस बात में हम तो इसका जरा पक्का सबूत अगर है तो आप प्लीज मुझे दे। ये सिंप्लीफिकेशन ही होता है सर से, मेरे मेरी ऐसी थ्योरी थी लेकिन मेरे लड़के ने बोला आप क्या जानते हो, कौन कैसे बोलता है, कैसे बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन है। तो मेरे पास कोई पक्का, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लेकिन पक्का नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो केवल संस्कृत और ईरानी या संस्कृत या प्राकृत ही नहीं, आजकल की भाषाएं जैसे मराठी में भी मैंने देखा बहुत ज्यादा जगह सौ जो संस्कृत का सौ है वो ह में आया है। तो उन सारे उदाहरणों को हम लेकर के एक बात बना सकते हैं। वस्तुतः ये जो ये जो बात थी वो आपकी जो आप जो बार बार कहते हैं औपनिवेशिकता, जो प्राकृत और संस्कृत के बीच में जो वैमनस्य की एक थियरी है वो आधारित ही है आर्यों के आव्रजन थियरी पर, आर्यों के आने की के सिद्धांत पर। लेकिन चूंकि मेरा कार्य उससे संबंधित नहीं है और मेरा बहुत ज्यादा उसमें अध्ययन नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं। वस्तुतः ये वैमनस्य का भाव वो मानते ही हैं कि आर्य जो है वो संस्कृत लेकर के आए थे, बाकी चीजें जो थी वो दोयम दर्जे की थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से घृणा और शत्रुता करते थे। लेकिन साहित्यिक और भाषिक आदान प्रदान के कारण हमें इस तरह का कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं कह सकते, हम इस तरह का आत्यंतिक उदाहरण नहीं मिल सकता कि अनिवार्यतया एक दूसरे से घृणा ही करते थे। बहुत धन्यवाद सर। बलराम जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके पास तनी हुई रस्सी पर चलने का कौशल है। आपको संस्कृत भी चाहिए, आपको प्राकृत भी चाहिए और दोनों भाषाओं के बीच में सहभाव भी चाहिए। ऐसा है इसलिए मुझे लगता है कि आपने एक स्वयं एक बात कही है, उस पर थोड़ा गौर कीजिए कि ये जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो अतिरिक्त चारुत्व है प्राकृत का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब संस्कृत का जो चारुत्व है वो तो प्राकृत में है ही, आप ये मान के चल रहे हैं। इसलिए मान के चलिए कि प्राकृत संस्कृत से थोड़ी श्रेष्ठ भाषा तो हुई ना, ये तो सब लोग कहते आपकी हैं। अपनी स्थापना, ये तो स्वयं कहता संस्कृतात् प्राकृतम श्रेष्ठम ततोपभ्रंश भाषणम, संस्कृत से ज्यादा श्रेष्ठ प्राकृत है, प्राकृत की से ज्यादा श्रेष्ठ अपभ्रंश है साहित्यिक दृष्टि से। लेकिन संस्कृत की श्रेष्ठता जो है वो बहुत अलग तरह की है, उसने हमारे हमारे देश की सांस्कृतिक एकता को बना करके रखा। आपको दोनों की श्रेष्ठताओं को दो चीजों में श्रेष्ठ हो सकते कहीं कहीं रखना तो पड़ेगा। सही सही सही, अलग अलग जगह पर जी, जी, अच्छा जी, एक बात मुझे और पूछनी है जी सर, क्या चमत्कार और चारुत्व में कोई अंतर है? चमत्कार कार्य है, चारुत्व कारण है। चमत्कार का मतलब, चमत्कार का हिंदी अर्थ मत लीजिएगा, चमत्कार का नमस्कार वाला, चमत्कार का हिंदी में गलत अर्थ हो गया है। जैसे शुरू में हमारे निदेशक साहब ने चमत्कार की बात की, चमत्कार यानी चित्त का विकसित हो जाना, जैसे हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारा चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, वही चमत्कार है। चमत्कार एक्चुअली ओनोमेटोपोइक शब्द है। हाँ, वो जैसे हम जब कोई अच्छी चीज खाते हैं तो मुंह से जो ध्वनि आती है चप चम जैसी ध्वनि आती है, उसी से ये शब्द बना है। तो ये चमत्कार कार्य है
और जो के सौंदर्य के कारण उत्पन्न होता है। देखिए शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ये अलग रखिए। जी सर, जी सर। जो प्रचलित अर्थ है एक प्रकार की चमत्कारिक कविता ने कविता का नुकसान भी किया। देखिए हिंदी हिंदी में जो अर्थ प्रचलित है वही सर्वत्र नहीं है, हिंदी के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, संस्कृत की भी एक दुनिया है जिसमें जिसमें चमत्कार बहुत सुंदर है। संस्कृत में भी चमत्कार केंद्रित कविता का उतना सम्मान नहीं है। नहीं संस्कृत में वो हिंदी के टर्म में आप कह रहे हैं, संस्कृत में चमत्कार सेलिब्रेटेड शब्द है, उसी के अर्थ में हमने चमत्कार शब्द का इस्तेमाल किया है सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या बात है विकसन वो चमत्कार सर सर वाह वाह वाह। राम जी आपको सुनने के बाद मुंह से एक ही शब्द निकल सकता है चमत्कार 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 तो है वो चमत्कार किया है, लेकिन क्योंकि आपका इतना विपुल और इस तरह की प्रोजेक्ट तो थोड़ी संभावना है जो है अतिरिक्त संभावना के लिए मैं कुछ बातें जी जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जरूरी दिशा की तरफ भी संकेत किया है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ इतने बड़े प्रोजेक्ट आपने लिया तो है लेकिन सुविधाजनक ढंग से लिया जी, मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब इस तरह के सवालों की तरफ लोग जाते हैं तो थोड़ा सा इतिहास उसमें आता है क्योंकि आपके पूरे कल में कई स्थल हैं कई ऐसी जगह है सामान्य लोग भी उसके पीछे की बहुत सारी बातों को बयान करते हैं जैसे छाया और संस्कृत तो मुझे लगा कि एक दो बातें आपको कही जानी चाहिए ऐसी संभावना पूरी संभावना आपकी उसमें है। संस्कृत का संस्कार प्राकृत को बहुत संस्कृत को बहुत कर सकते जी सर बिल्कुल। जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे उन्होंने एक बात कही थी कि सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से कोई नई बात आ सकती है संभावना की तलाश जी। और उसकी तरफ आपने संभावना दिखी लेकिन उस पर आपने ध्यान नहीं दिया अच्छा उसकी कुछ आप बोल रहे थे तो मुझे याद कि जो बैलेंस है उस बैलेंस में एक अतिरिक्त किस्म का तनाव आपके पूरे प्रेजेंटेशन में पैदा किया है एक तनाव पैदा जब इस तरह की बातचीत हुई है जब जब बातचीत हुई है तो एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ प्राकृत और अभ्रंश की धारा के बीच में बातचीत हुई कम से कम राहुल सागरित है बौद्धों ने तो यही है हरियाणी प्रसाद ने भी इवन की नामवर सिंह जैसे लोग आप परिचित है इसलिए यही नाम ले रहा हूँ उसकी भाषा उन दूसरे नाम लेते हैं जी जी। इन लोगों ने जिस चीज पर बल दिया है वो है लोक बल लोक की शक्ति से भाषा की समृद्धि का संसार और उसका चमत्कार जो पैदा हुआ वो ऐतिहासिक रूप में इस तरह से संस्कृत के लिए बाधा बन यह भी हमारे लिए बड़ा प्रश्न है क्योंकि जैसे ही हम राहुल के अंत उस पुस्तक का अध्ययन दिवाली में नहीं करते हैं भाषा का भारतीय भाषा पर इतिहास करता है
उसमें ये जो संस्कृत है और ये जो प्राकृतिक है तो हम लोग कारण ये है कि साधारण हम लोग हमेशा अपने 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 संसाधनों से उठाने की कोशिश की है, ये मापदंड नहीं है, प्रेम का भी है, एक दूसरे के साथ हम लोग रिलेशन है वो, लेकिन काफी इस तरह का है जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिखा जा सकता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि अगर हम ये दिखला सकते कि तमाम राइवलरीज के बावजूद भाषिक स्तर पर हम लोगों के ट्रेडिशन में इतनी संभावनाएं हैं कि ये उसका रास्ता काट नहीं रहेगी, क्योंकि ये बात बार बार टूट के वही चली जाती है जिसको गांधी जी ने ऐसे रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक का स्थान दूसरा ले ले जरूरी नहीं, पेड़ के पत्ते एक दूसरे का स्थान नहीं लेते। अगर ये एक तरह की दृष्टि हम अपने अपने उसमें ला सकते जी, तो शायद हमको लगता है कि आपका काम जो है वो इतिहास के लोगों के लिए भी ज्यादा और ज्यादा उपयोगी हो सकता है जी। लेकिन उसके लिए फिर आपको और चीज बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि क्योंकि आपका इतना फुल अध्ययन है कि आप इस तरफ जा सकते हैं और बहुत बहुत अच्छी तरह से जो टेंशन पैदा हुए हैं उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में एक व्यापकता है और इंक्लूसिवनेस, और वो इंक्लूसिवनेस जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, इस कारण से हम लोग प्रशंसा भी करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उस तरफ भी जाए। क्योंकि अभी एक बड़ा संकट ये हो गया है कि एक न्यू ब्राह्मणिकल प्रोजेक्ट वो कल्चरल क्वेश्चन पर इस तरह से आ रहा है कि संस्कृत का पूरा प्रश्न जो है वो एक तरह से अप्रोप्रिएटेड होता जा रहा है बहुत सारे लोगों। तो आप जो जिस विवादार्थ में आप संस्कृति और संस्कृत के अंतर संबंधों को समझते हुए ये भाषिक परंपरा की तरफ जा रहे हैं उसमें मुझे बहुत दूसरे तरह की संभावनाएं भी लगती है। इसीलिए मुझे अनुरोध है कि तो मेरा अनुरोध है कि आप इन सारे सवालों को थोड़ा सा और खोलें ताकि ये सिर्फ और सिर्फ भाषा के भीतर का ये टेक्निकल मामला ना रहे, इसके ऐतिहासिक जो पहलू है वो भी थोड़े से उभर कर आ सके। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर आपके के लिए। मैंने मेरा जो थोड़ा सा अध्ययन है वो भाषिक और साहित्यिक दृष्टियों से ही है। इसके अलावा जो आपने मेरा ध्यान आकर्षित कराया कि सामाजिक दृष्टि से भी उसको हम देखें, तो जैसा कि मेरी प्रस्तुति से प्रकट होगा कि वो सामाजिक चीज जो है उसमें नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि ऐतिहासिक और सामाजिक चीज मेरा उतना न तो अध्ययन है, और वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला भी काम है और बहुत ज्यादा उलझा हुआ भी काम है। तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में आगे के अध्ययनों में उसको ध्यान रखूंगा, क्योंकि कम से कम वे पॉइंट्स जिस पे हम एक हो रहे हैं और जिसमें पॉजिटिविटी है उसको उसका परीक्षण और उसका प्रयोग अनुप्रयोग किया ही जाना चाहिए। इस इनसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत से जब हम यात्रा शुरू करते हैं और प्रकृति में आते हैं और अभ्रंश में जाते हैं तो एक नैरेटिव बन सकता है, लेकिन संस्कृत के पूर्व संस्कृत भाषा का स्टार्टिंग हमारी भाषा परंपरा का स्टार्टिंग पॉइंट ही भी हो सकता है। मोहनजोदड़ो शहरी सभ्यता थी, लेकिन शहरी सभ्यता से सभ्यता की यात्रा शुरू नहीं हो सकती, इसके पहले हम लोगों ने ढूंढा तो ग्रामीण सभ्यता, ठीक वैसे ही संस्कृत के पहले भी कुछ था। इस तरह की संभावना से इनकार करना अनैतिहासिक होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से संस्कृत तो संरचित ही है, निश्चित रूप से वो मोनोलिथिक नहीं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ रामलाल शर्मा ने इस प्रश्न को रिजॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने एक अपनी थीसिस दिया, उसे अपरिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सवाल जैसे ही उठाए इस सवाल के साथ जो आनुषंगिक जो प्रश्न है उसकी तरफ थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। हाँ सर सर जी सर।
धन्यवाद भवते भी अतीव रमणीयं भाषणं भवद्भिः प्रदत्तम् धन्यवाद विद्वत्तपूर्णमस्ति नमस्कारः सर्वथा उत्कृष्टमेव अहं मन्ये अन्योस्मि तत्र खलु भवता एवम् उक्तं यत् खलु पतञ्जलिना संस्कृतपुलनया प्राकृतं नाञ्चितम् किं संस्क पतञ्जलिना किं नोक्तमस्ति शब्दाः एव अनुशासिताः अनुशासिताः समालोचिताः तस्य स्वयं कथयति सत्यं हा एवं सत्यं 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 नूनं सः कथयति इष्टान्वाख्यानं भवति लाघवं च लाघव तत्र तर्कद्वयम् अस्ति नूनं लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः सत्यम् शब्देषु पुण्यजनकता वर्तते भवतु भवतु अंग्रेजी में मैं बोल नहीं सकता हिंदी में बोलता हूँ संस्कृत ना बिल्कुल संस्कृत के शब्दों में पुण्यजनकता है बाकी शब्दों में पुण्यजनकता नहीं है इसके आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कृत के संस्कृतेतर शब्दों के प्रति घृणा की भावना थी तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो वैयाकरण है वार्तिक तो कात्यायन का है तो कात्यायन और पतंजलि धर्म नियम जो करते हैं वो उसका तात्पर्य क्या है उसका तात्पर्य भी मेरे इस थीसिस के अनुसार वो पुण्यजनकता ही है वो पुण्यजनकता जो है वो लिंग्विस्टिक कारण से है क्योंकि कात्यायन और पतंजलि के समय खासकर पतंजलि के समय संस्कृत भाषा समाप्त हो रही थी धीरे धीरे इसके इसके प्रमाण हमें महाभाष्य में भी मिलते हैं भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः एकैकस्य शब्दस्य अभावोपभ्रंशः यथा गावी इत्यस्य गोणी गोता गोपोतलिके इत्येवम् आदयोपभ्रंशः तो अपभ्रंश का बहुत जोर था और संस्कृत भाषा जा रही थी संस्कृत भाषा व्याकरण के माध्यम से सुरक्षित होने वाली थी इसलिए आचार्यों ने उसमें धर्मजनकता पुण्यवत्ता को जोड़ा उनका वस्तुतः ये मतलब नहीं था कि अपभ्रंश बोलोगे तो तुमको पाप लगेगा कारण वो मैंने अचीकमत और अचीकमत का वाला उदाहरण दिया ही था तो धर्म नियम इति धर्मार्थ नियम धर्म वस्तुतः नूनम सत्यम नूनम एतदेव सम्यक अभिबुद्धं भवता भवता उपस्थित्या वयं धन्याः स्मः नूनम् इच्छन्तु उपस्थापयन्तु शङ्करदेवस्य खलु अत्र भवति संस्कृतभाषा अस्ति खलु संस्कृतभाषायाः ये संस्कृतभाषा ही है आपने शंकरदेव की एक श्लोक का उद्धरण किया वस्तुतः ये छंद जो है वो अपभ्रंश का छंद है तो क्योंकि उसमें जो अंत्यानुप्रास राइमिंग है वो संस्कृत में नहीं है राइमिंग की बाधा संस्कृत में नहीं होती प्राकृत में भी नहीं होती ये अपभ्रंश से आई है जैसे कि मैंने कहा कि स्वयं जयदेव ने भी अपभ्रंश छंदों से ही ली है तो शंकरदेव तो भारत की सभी
परंपराओं को, भाषिक साहित्यिक परंपराओं को जानते थे और उन्होंने वंश से इसका ग्रहण किया और कीर्तन, संभवतः कीर्तन के अंतर्गत है ये ना, नाम घोष के इत्यादि के अंतर्गत है, तो लोगों को अपभ्रंश से ज्यादा निकटता थी। तो जैसे सर कह रहे थे कि संस्कृत जो अपभ्रंश की परंपरा की जो के अचीवमेंट्स थे वो संस्कृत के बाधा नहीं बने, क्योंकि संस्कृत ने साथ में वो सारी चीजों को ले लिया, जब ले लिया तो वो अपने आप को पुनर्नवीकृत करती रही, जो सेल्डन पोलक की भी बात है, लेकिन वो पूरी तरह से समर्थनीय नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत अब ऐसे खत्म हो गई कि अब वो फिर कभी नहीं उठेगी। तो ये बात नितांत खंडनीय है, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए दे रहे हैं, वो कैसे जाएगी। नमस्ते। जी सर, तारीफ नहीं करूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो सत्य का वो मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। एक तो मेरा एक सुझाव है कि आपने प्राकृत साहित्य को एक तरह से शुरुआत के लिए लिया है, केवल प्राकृत साहित्य ही लिया, साहित्यिक प्राकृत ही लिया है जी। तो क्या इंस्क्रिप्शंस में डिवर्सिफिकेशन हुआ है जी, प्राकृत इंस्क्रिप्शन जी जी, तो शुरू में लगभग 300 ईस्वी तक आदि प्राकृत, बिल्कुल वो संस्कृत के पहले तो प्राकृत ही इंस्क्रिप्शन है, उनका कुछ उपयोग, क्योंकि वो एक तरह से मैं कहूंगा कि भाषाई दृष्टि से ज्यादा प्रामाणिक जी 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 बिल्कुल। तो क्या आपके दायरे में, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर आपने पहले हजारों संकलन कर लिया, मेरे ख्याल से 10-1 होंगे जी। ये एक्चुअली एक कंपैरिजन के लिए, लिंग्विस्टिक कंपैरिजन के लिए भले ही आप प्रोस में ना जाए जी, जो वर्सिफाइड है जी जी जरूर। दूसरा मेरा एक सुझाव था, एक्चुअली कई सारे बातें जो आपने कही वो एक्चुअली तमिल साहित्य और तमिल में जो पोएट्री है उससे काफी रिलेटेड। अच्छा अच्छा। और जीएल हार्ट ने इस पे लिखा भी है, सत्साई और तमिल साहित्य के बीच में जी राइमिंग और जो आपने दूसरी बात कही मीटर, जैसे आर्या मीटर जो है वो आप सहमत है असहमत, प्राकृत से ही आई है बिल्कुल। उनका कहना है कि वो तमिल एक कॉमन द्रविडियन, हाँ 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 बिल्कुल जी, वो एक अच्छी वो मानते हैं कि आर्यन मीटर ही एक तरह से नॉन इंडो आर्यन मीटर है, ऐसे बिल्कुल ऐसा है, प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता आर्या। एक तो उसी तरह से राइमिंग का भी जो होता है, और तीसरा जो आपने ये सीवी वाली बात की जी, संस्कृत में वीवी नहीं होता है, हाँ हाँ वोवेल वोवेल का कंस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन प्राकृत में होता बिल्कुल है, वही तमिल में भी होता है, सारी लोक भाषाओं में, हिंदी में जैसे आओ जैसे हम बोलते हैं आ ओ, हिंदी में ऐसा हो ही, संस्कृत में ऐसा हो ही नहीं सकता जी। तीसरी बात जो है, ये एक्ट्रेस एक्चुअली आर्ट का आर्गुमेंट है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, अच्छा, और उनका कहना है कि महाराष्ट्री जो प्राकृत है उसका संगीत से बहुत गहरा जुड़ाव है, तो क्या इस पूरे प्राकृत वर्सिफिकेशन में जी गाने के या गाए जाने के हिसाब से लिखा गया था क्या जी जी जी, उसका संगीत से क्या रिलेशन है, इस पे मुझे लगता है एक्सप्लोर करें, करना चाहिए। गाथा शब्द ही का मतलब है कि जिसको गाया जाए, गीयते इति गाथा, नहीं नहीं गाथा मतलब जैसे वेद में भी है, और जो जो अवेस्ता है उसमें तो गाथा बोलते ही है, गाथा उसको भी गाथा है, तो म्यूजिक से इसका क्या रिलेशन, क्योंकि ये वोवेल कॉम्बिनेशन भी जो है मानते हैं कि म्यूजिक से काफी जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कितना आपके लिए उपयोगी होगा। जी कहने के बाद एक और मेरे को एक डायमेंशन है जी,
जो आप साहित्य का रेंज आप ले रहे हैं लगभग 1st century AD से लेकर 18वीं शताब्दी कुमायूं तक, इस पूरे दौर में अगर आप देखें तो लगभग 400 या 500 एडी में एक ब्रेक होता है। बिल्कुल, प्राकृत हाँ एक बोली जाने वाली भाषा न रहेगी। बिल्कुल, तो सही है। बिल्कुल सही है जी, कंस्ट्रक्ट बन जाता है, ग्रामेटाइज्ड जी जी। लेकिन 400 तक शायद बिल्कुल वो थी साहित्यिक प्राकृतों का काल है। जो शिफ्ट जो है वो साहित्य और लिंग्विस्टिक यूसेज में कैसे दिखता है जी, वो एक मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको हिस्टोरिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत जी। लेकिन वो ब्रेक को अगर आप ध्यान में रखें और दोनों आगे पीछे की कंपेयर करें तो काफी जी 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 जी। ये सब कहने के बाद मैं वापस आना चाहता हूँ वो प्राइमरी सवाल के संदर्भ में, भाषा और भाषाओं के बीच में टकराहट है। जो देखिए वास्तविकता तो ये है कि भाषाएं तो लड़ती नहीं, लड़ने वाले तो लोग, और लेना देना और लड़ना दोनों ऑपोजिट्स नहीं। जिनसे हम सबसे ज्यादा लड़ते हैं उनसे हम सबसे ज्यादा लेते हैं। अगर आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहां गुलकंद का इंडस्ट्री सबसे प्रमुख है, जो कि कहा जाता है कि मानसिंह के फौज में वहां रोजेस के पेड़ लगाए। ये जो बात है, लड़ना और एक दूसरे से लेना देना ऑपोजिट्स नहीं है, लेकिन भाषाओं के बीच में एक हायरार्की स्थापित है और माना गया है। जैसे आप नाट्यशास्त्र ही ले लीजिए, नाट्यशास्त्र में भाषा एक संस्कृत तो भाषा ही भाषा है, फिर देशी भाषा या भाषा और विभाषा, ये तीन में वो अंतर करते हैं। और वो कश्मीर अभिनव गुप्त जो है उनका जो एक्सप्लेनेशन देते हुए संस्कृत से अपभ्रंश होकर भाषा बनता है, भाषा के कैटेगरी में चांडाल बोलता है, विभाषा अपभ्रंश भाषाओं को जी। चांडालों की जो बोली है वो विभाषा में आए, पैशाची इत्यादि, हाँ पैशाची और आंध्रवासी 4-5 मेरे ख्याल से भाषा जो प्राय जिनको आप अनटचेबल कास्ट करते हैं उनकी भाषाएं मानी जाती है। तो वो भाषाओं में एक हायरार्की माना गया है, और शूद्रों को संस्कृत नहीं सीखना है, ये नियम बनाया है। अब ये नियम के रूप में तो मेरे को 16वीं शताब्दी के टेक्स्ट में मिलता है, उससे पहले वास्तव में ऐसे नियम था या ये मान्यता थी अलग बात। 16वीं शताब्दी में शूद्र चिंतामणि जैसे टेक्स्ट है, उसमें तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि शूद्रों के मुंह से संस्कृत। तो ये एक हायरार्की है और उसमें कास्ट का इश्यू हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लैंग्वेजेस के बीच में लेन देन नहीं हो रहा हो या आपस में मेल जुलाप ना हो, प्रेम ना हो, वो भी होता है, बट हायरार्की और हायरार्की को स्थापित करने के लिए भाषा का उपयोग ये जरूर हो रहा है, और नाट्यशास्त्र में भी है और बाद में भी देख रहा है। तो अंतिम जो आपकी टिप्पणी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी सर, भाषा से हायरार्की जो है वो हो रही है। और लेकिन मेरा जो संपूर्ण कथ्य है वो इस विषय में है कि जैसे शास्त्र या साहित्य में चीजें हायरार्किकल दिखाई दे रही है, समाज में कम से कम भाषा के लेवल पे या साहित्य के लेवल पे हम इस चीज को नहीं मान सकते कि वो जिस विषय पर मैंने पुनः परीक्षा की चर्चा की थी वो घृणा की बात थी जिसको बार बार लोगों ने कहा है। और ये बहुत ज्यादा इसके प्रमाण मिलते हैं कि वे ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल में चाहता नहीं था करना, पूरे उसमें मैंने छोड़ा उसको, वे लोग जो संस्कृत बोल रहे हैं या संस्कृत में लिख रहे हैं
उन सबकी मातृभाषाएं प्राकृत हैं। कालिदास की मातृभाषा संस्कृत नहीं रही होगी निश्चित रूप से, पहली शताब्दी में बोलचाल के लेवल पर शायद संस्कृत उस तरह से नहीं थी। तो एक जनसमूह में विद्यमान लोग जो हैं वो अगर स्कॉलरली रीति से संस्कृत को का उपयोग कर रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं और उसके ऐतिहासिक साहित्यिक उसको सुरक्षा करने के लिए महत्व को समझ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिस भाषा को वो बोल रहे हैं उससे घृणा कर रहे हैं। जिन जो उनके घरों की भाषा है, जो उनकी माएँ बोल रही हैं, तो जो ये हायरार्की हाँ हाँ बिल्कुल हाँ तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये स्थिति मुझे लगता है कि औपनिवेशिकता के कारण ये चीज आई है। और इतना ही नहीं सर, हमारी भोजपुरी को हमारे बच्चे हिंदी की अपेक्षा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो घृणा की दृष्टि हमारे समाज में नहीं रही सामान्यतया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक एक हायरार्की की बात जो है दाताराम जी, आई वॉन्ट टू कम इन फॉर वन सेकेंड इन दिस मैटर, अगर इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे मित्रों, जैसे पहले मैंने इसका जिक्र किया था कि देखिए बलराम जी एक सौंदर्य शास्त्र और चारुत्व को लेकर के शोध कर रहे हैं और हमने इसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया ऑलरेडी। एक्चुअली यही विडंबना है कि हम सियासतबाजी से बाज ही नहीं हो पाते, हर चीज को हम इतने एक नजरिए से देख पाते हैं। मैंने वही किया कहा था कि दो आइडियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट दी ओनली should I say framework from which we can understand things, बल्कि more and more aesthetics जो मुझे लग रहा है, aesthetics is its own contra ideology to this kind of ideology, यानी एक ideology है जो एक हमें रूखा सूखा बना देती है। और सौंदर्य, कविता, काव्य, aesthetics, art, ये एक उसके विपरीत काम करने वाली हम कहेंगे री एंचांटमेंट की आइडियोलॉजी है। एक तो मैं वो प्रस्ताव देना चाहता हूँ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, अभी बलराम जी ने बहुत एक गहन चीज का उल्लेख किया था, वो ये कि हमारा देश एक लंबे औपनिवेशिक काल से गुजरा है और उसमें किसी भी देश को, किसी भी सभ्यता को, किसी भी जनजाति को या किसी भी राष्ट्र को अगर आपको अपने वश में लाना है तो जो विभाजन तोड़ो, विभाजन की जो 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 शक्तियां या ताकत हैं उनको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एट एम्परा, ये एक लैटिन का जाना माना तथ्य है जो हम सब जानते हैं। तो देखिए ना, दिस वर्सेस दैट, यू नो, एंटी संस्कृत की जो मुहिम चली है, इट वाज अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज एक इंटेलेक्चुअल क्लास थी जिनकी भाषा संस्कृत थी, लेट अस एक्सेप्ट इट, एंड लेट अस एक्सेप्ट हाउएवर दैट ये भाषा एक्सक्लूसिव नहीं थी, यानी वो अनेक प्राकृत और लोकल भाषाओं के साथ चलती थी, इट वाज नॉट अगेंस्ट। सो कहने का मतलब है कि दिस एंटी संस्कृत वॉज ऑल्सो रिलीज्ड, एंड जो सेक्युलरिज्म था भारतीय पोस्ट इंडिपेंडेंट सेक्युलरिज्म, उसके तहत भी ये एंटी संस्कृत का बहुत चला है। एंड देन उसके तहत, जैसे मैंने पहले ही बताया था, संस्कृत वर्सेस प्राकृत, संस्कृत वर्सेस वर्नैक्युलर, संस्कृत वर्सेस इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेस हिंदी, इंग्लिश वर्सेस वर्नैक्युलर, या तमिल वर्सेस हिंदी, है ना, तमिल वर्सेस संस्कृत, ये सब चलाया गया। लेकिन देखिए, ये पॉलिटिकल चीज है जो अगर हम साहित्य में देखें, एक मणिप्रवाल शैली, बिल्कुल हाँ। तो व्हाट इज दिस, अगर ये वर्सेस वर्सेस चलता तो ऐसी भाषा होती ही नहीं जिसका हमें प्रमाण मिल रहा है।
अगर संस्कृत वर्सेस प्राकृत होती तो कालिदास में दोनों भाषाएं नहीं चलती साथ साथ। तो हमें इसको प्लीज, हम आप इस तरह से सिर्फ पॉलिटिकल नजरिए से ना देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉलिटिक्स को आप बिल्कुल ही हाशिए पे रखें, वो तो अशक्य है आजकल के जमाने में। बट आई कम बैक टू द पॉइंट दैट प्लीज बलराम जी चारुत्वता पर ध्यान दे रहे हैं और हम उनको वो करने दें जरा, उससे भी बहुत हम सीख सकते हैं, ना कि उसको कहीं और ले जाए, किसी और पूर्वाग्रह की तरफ ले जाए। बस मुझे इतनी इतनी मेरी क्या कहते हैं